आएंगे जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया कि आपके चरणों में आके आपका धन्यवाद करें, आपकी तारीफ करें, अपने मुंह को खोल के अपने हाथों को उठा करके आपकी तारीफ करें खुदावन, क्योंकि आप ही सारे आदर महिमा और स्तुति के योग्य हैं प्रभु। यू आर द ग्रेट गॉड लॉर्ड, यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड। ओ लॉर्ड, हाउ द साइमिस्ट से ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड। ही ऑल्सो इज टू बी फियर्ड अबव ऑल गॉड्स, फॉर ऑल द गॉड्स ऑफ द पीपल आर आइडल्स बट द लॉर्ड मेड द हेवंस। ओ गॉड, खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप कुल जहान को बनाने वाले खालिक और मालिक है प्रभु, आप शिरोमणि है, आप खुदावंद जो थे जो हैं जो आने वाले प्रभु आप या मौजूद हैं। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी तारीफ करता हूं प्रभु। ओ खुदावंद, सारी देवी देवताएं सारी मूर्तियां कुछ नहीं है खुदावंद, आप इकलौते वाहिद खुदावंद है प्रभु, आप ही सच्चे खुदावंद है प्रभु। ओ खुदावंद, आप इन दुष्टों का न्याय करने को इस पृथ्वी पर आ चुके हैं प्रभु, आपने वो न्याय के शब्द बोल दिए हैं खुदावंद। ओ खुदावंद, हम कैसे देख रहे थे प्रभु संडे को, एक कंडीशन है प्रभु रैप्चर की प्रभु, उससे पहले कुछ हालतें हैं खुदावंद, कुछ लोग हैं ठट्ठा करने वाले, कुछ मजाक करने वाले हैं प्रभु, और हम आज पाते हैं खुदावंद हर कोने में आप पाते हैं प्रभु, हम पाते हैं प्रभु इस पृथ्वी पर ये मजाक चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये हंसी चल रही है खुदावंद, ठट्ठा चल रहा है प्रभु, लोगों के हाथ में मोबाइल है खुदावंद, वहां पे सिर्फ कॉमेडी देख रहे हैं खुदावंद। ओ प्रभु, ये हालत है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की, गंदे मजाक चल रहे हैं प्रभु, लेकिन इसके बीच में खुदावंद एक हनोक है जिसने अपने आप को आइसोलेट किया, जिसने आपको अपने आप को अलग और थलग किया आपके लिए खुदावंद। ओ खुदा, वो ब्राइट मटीरियल है लॉर्ड। ओ खुदावंद, जब उसे समय मिलता है प्रभु वो प्रार्थना में जाता है खुदावंद, वचन पढ़ता है प्रभु, वो अपने समय को जानता है, अपने दिन को पहचानता है लॉर्ड। ओ खुदा, उसको मालूम है कि वो मरेगा नहीं लेकिन वो रैप्चर में जाएगा। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु, आप ही महान है खुदावंद, और आपने हमें फजल दिया प्रभु कि आपके भवन में आए और आज शाम को फिर से यहाँ पर इकट्ठा हूँ खुदावंद। शरीर तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है खुदावंद, सच है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे बल हैं, आप मेरी ताकत है खुदावंद। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, हुम शैल आई बी अफ्रेड ऑफ। कैसे हम देख रहे थे खुदावन संडे को भी, जब कभी आप अपने लोगों के पास आए पहले शब्द जो आपने बोले यही बोला, फियर नॉट, फियर नॉट, मोसेस फियर नॉट, अब्राहम फियर नॉट, जोशुआ फियर नॉट, अपने चेलों से आपने कहा डू नॉट बी अफ्रेड इट इज आई। ओ खुदावन, जब आप नबी के पास आए आज के युग में सबसे पहले आपने कहा डरना मत, आज अब हमारे पास आते हैं हमसे कहते हैं डरो मत, खातिर जमा रखो मैंने संसार को जीत लिया है। खुदावन हम आप पर संपूर्ण तवक्को करते हैं, आप पर ही विश्वास करते हैं प्रभु, हमारा अकीदा आप में है खुदावन, आप महान है प्रभु। आपके सामने कुछ अजीजों को लेके आता हूँ, सिस्टर संगीता लाइल के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको बॉडी पेन और हेडेक है संपूर्ण चंगाई दें, ब्रदर अमित मैसी जो रिठाला से है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको कोल्ड कॉफ और फीवर है संपूर्ण चंगाई दें, सिस्टर ज्योति आपटे के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको लिवर प्रॉब्लम और खुदावन नींद नहीं आ रही प्रभु आप संपूर्ण चंगाई दें, पास्टर आमोस जो बलिया से उनकी बेटी रूथ को याद करता हूँ खुदावन जिसको टाइफॉइड बताया डॉक्टर्स ने, खुदावन आपके सामने ये बीमारी कुछ नहीं है लॉर्ड, आप बोल बस देते हैं प्रभु और चीज ठीक हो जाती है खुदावन, और आपने चंगाई के शब्द पहले से बोल दिए हैं खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप इन अजीजों को संपूर्ण चंगाई दें खुदावंद, और भी जो बीमार हैं खुदावंद जो कमजोरी में पाए जाते हैं मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण चंगाई दें खुदावंद, ताकत दें प्रभु, आपका नाम मुबारक हो, शाम को फिर से हमारे बीच में आए हमसे हम कलाम हो। ओ खुदावंद हमारे अजीज पास्टर को आप इस्तेमाल करें खुदावंद, बड़ी बरकत दें खुदावंद, इन दिनों में आप बहुत आयस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को विंडिकेट करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई टाइटस को भी बड़ी बरकत दें, तमाम भाई बहनों को जो आए प्रभु बड़ी बरकत दें, और वे जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु एक शॉर्ट क्विक मैसेज के लिए खुदावन, ओ प्रभु होने दे खुदावन उन तक पहुंच सके प्रभु, उस अभिषेक को पकड़ पाए खुदावन, क्योंकि आप कुछ करने को है प्रभु यीशु मसीह, ये संसार पुनः टूट के बिखर रहा है खुदावन, जजमेंट आ चुका है इस पृथ्वी पर प्रभु, आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन,
सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ आई, इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 188, डाउन फ्रॉम हिज ग्लोरी। आमेन, 188। Down from his glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrows, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my son. Place glory, my
Hallelujah. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. Oh, how I love you, Lord. How I adore you, Lord. From the bottom of my heart, I would say, Lord, my breath, my sunshine, my all in all. Oh, God, the creator of the heaven and the earth. Amen. The great creator became. He became. You became my savior, Lord. What a condescension you did in this age, Lord. When you came down, Lord Jesus, in that word form, Lord. And now, Lord Jesus, a final culmination of your coming, when we'll see you literally, Lord. Oh God, hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. We exalt your name on high, Lord. We give you thanks and praises, Lord. We give you a wave offering, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, my Lord. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Why are we all standing? Let's sing that chorus. Only believe all things are possible. And let's turn our hearts to the Lord Jesus while we sing this song. Only believe. Only and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Precious Pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is. Thank you, Abba, Heavenly Father. Hey, Abba, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं. For giving us another time and opportunity. एक और समय और सौभाग्य आपने हमें दिया, खुदावन. To come in your presence. कि आपकी उपस्थिति में हम आ सके. Kindly break the bread of life for us. कृपया करके जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़े. And feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं. We submit ourselves into your hands of grace. आपके अनुग्रहकारी हाथों में अपने आप को सौंपते हैं. In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. Amen. And while we are all standing, और जबकि हम लोग सब खड़े हैं, let's turn over to the book of Ruth. आइए अपनी बाइबलों में हम निकालेंगे रूथ की पुस्तक. And we are going to turn to chapter 4. और हम उसका चौथा अध्याय निकालेंगे. And we are going to read from verse 5. और उसकी पांचवी आयत से हम पढ़ेंगे. Verse 5 to verse 10. पांचवी आयत से दसवीं आयत तक. Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance. Redeem thou my right to thyself, for I cannot redeem it. Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing. For to confirm all things, a man plucked off his shoe and gave it to his neighbor, and this was a testimony in Israel. Therefore the kinsman said unto Boaz, buy it for thee. So he drew off his shoe. And Boaz said unto the elders and unto all the people, ye are witnesses this day that I have bought all that was Elimelech's, hallelujah, and all that was Kilion's and Mahlon's of the hand of, amen, Naomi. Moreover, Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife. Amen. Raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place ye are witnesses this day. चौथा अध्याय रूथ और उसकी पांचवें आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूथ मोआबिन के हाथ से भी, जो मेरे मरे हुए की स्त्री, जो भी मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे वो हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं इसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर, तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन का और मेलोन का था, वो सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर मेलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। We thank you, Abba Heavenly Father, for thy word. हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद है। Under your blood we come. आपके लहू के नीचे हम आते हैं। Now, Father, open thy word for us. हे पिता, आकर के अपने वचन को हमारे लिए खोले। And feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। Amen. Amen. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। That He's given you and I once again a privilege to come in this house. उसने आपको और मुझे एक बार फिर से सौभाग्य दिया कि हम उनके भवन में यहाँ पर आ सकें। And to praise His holy name. और उनके पवित्र नाम को धन्यवाद दें। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। And now today evening, if the grace of the Lord permit. और आज शाम को अगर खुदावंद के अनुग्रह की अनुमति मिले, I would like to bring this thought for you. मैं इस विचार को आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। The power of confession bringing redemption. अंगीकार का जो सामर्थ्य है, वो छुटकारे को लेके आता है। Amen. आमीन। And we really thank God that when we are seeing this biblical character, और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं जब हम इस बाइबल के चरित्र को देख रहे हैं। By the way, God bless our precious brother Gideon John, who's here from Aligarh. मैं कहना चाहूंगा कि खुदावंद हमारे प्यारे भाई गिडियन को, जो कि अलीगढ़ से है, पास्टर है, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। God bless him. We welcome you, brother, in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। And now for a little time, अब थोड़े समय के लिए, we'd like to go into the scriptures. हम वचन में जाना चाहेंगे। And see how confession works to bring redemption to a person. कि कैसे अंगीकार काम करता है एक शख्स के जीवन में, ताकि उसके पास छुटकारा आ सके। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम मुबारक हो। The story begins with Naomi and her family. कहानी शुरू होती है नाओमी और उसके परिवार के साथ। How because of a famine in the land they left Bethlehem and went to Moab. कैसे अकाल की वजह से उन्होंने अपने घर बेतलहम को छोड़ा और मोआब चले गए।
And Brother Branham says, I'm not reading that part of the quotes, I'll read another part, that is the mistake that every Jew makes. और नबी ने बताया कि यही गलती हर एक यहूदी करता है. When they leave their God-given land. जब खुदावन के द्वारा दिए गए भूमि को जो उनको मिलती है उसको जब वो छोड़ देते हैं. And what is the land given to a believer today? और आज विश्वासी को वो क्या भूमि है जो उसको दी गई है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा. The message of this hour. इस घड़ी का संदेश. Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. This is to lift you also and lift all of us. ये आपको भी और हम सबको उठाने की बात है. Let us understand one very important thing. आइए एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझें. Before I start this message tonight. इससे पहले कि आज रात्रि मैं संदेश को चालू करूं. We are not each other's enemies. हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं. No, we are not. नहीं, हम नहीं हैं. The real enemy is Satan. जो हकीकी दुश्मन है वो शैतान है. Is that right? ये बात सही है. It is Satan that works amongst people. ये शैतान है जो लोगों के बीच में काम करता है. Which creates confusion. जो कि इस confusion को भ्रम को लेके आता है. And which brings all kinds of wrong things. और जो हर किस्म की बुरी चीज लेके आता है. Because his plan is to stop those who are on their way to the promise. क्योंकि उसका मुख्य काम ये है कि उन लोगों के लिए एक अवरोध लेके आए, रुकावट लेके आए, जो कि वायदे की भूमि की ओर बढ़ रहे हैं. Especially when I talk about you people. खास तौर से जब मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूँ. Our young people also. हमारे जवान लोग भी. Don't you think that you'll be the greatest target today? क्या आप नहीं सोचेंगे कि आप लोग आज सबसे बड़े निशाने पे हैं? Yes. जी हाँ. These boys, these girls. ये जवान लड़के, लड़कियाँ. And all of us. और हम में से हर एक. Won't you think that he'll try to break our families? क्या वो नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार टूट जाए? Won't he like to break brotherhood? क्या भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहेगा? Won't he love to break a church? क्या कलीसिया में तोड़ और फाड़ने लाना चाहेगा? He'll try his best. वो अपना भरसक प्रयत्न करेगा. And Brother Branham said. और भाई ब्रैनम ने कहा. That's the time you pray together and stay close together more. ये वो समय है जब आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक साथ मिलकर और जुट कर रहे हैं अधिकाई से. डोंट गिव अपॉर्चुनिटी टू सैतन टू टेक अ होल्ड इन योर लाइफ, इन योर फैमिली और इन योर चर्च. शैतान को मौका ना दें कि वो आपके आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में और आपके कलीसियाई जीवन में आकर के वो रुकावट लेके आए, हस्तक्षेप करे. There was a time a family came to me. एक समय था एक परिवार मेरे पास आया. They had problems. उनकी समस्याएं थी. And I was telling that family. और मैं उस परिवार से कह रहा था. Quoting to them the scriptures. उनके सामने वचन को कोट करते हुए. We don't fight with flesh and blood, brother, sister. मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है. No. नहीं नहीं. We are not fighting with flesh and blood, but we are fighting with principalities and powers of darkness, spiritual wickedness in high places. लेकिन हमारा मलयुद्ध उन आत्मिक सेनाओं से, उन प्रधानताओं से है जो कि ऊंचे स्थानों में काम करती हैं और दुष्टता के काम करती हैं. Is that right? ये बात सही है? Now try to understand. समझने की कोशिश करें. We try reformations in our lives. हम अपने जीवन में संशोधन लाने की कोशिश करते हैं. Reformation is not the answer. संशोधन जवाब नहीं है. Is that right? Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा. What really will work is a genuine born again experience. जो चीज वास्तविकता में काम आएगी वो ये है कि आपको एक वास्तविक नए जन्म का तजुर्बा मिले. And that new born experience cannot come until you have a right approach to God, which many people don't know. और वो नए जन्म का तजुर्बा आपको मिल नहीं सकता जब तक आप के पास एक right किस्म का approach खुदावन के पास ना हो. That's very, very important. ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. And this is to be understood. और ये समझा जाना ज़रूरी है. That we who are living here. हम जो यहाँ रह रहे हैं. Not just this church. केवल ये कलीसिया ही नहीं. Any church. कोई भी चर्च उठा ले. From east to the west. पूरब से पश्चिम तक. Including Branham Tabernacle. मैं शामिल करना चाहूंगा भाई ब्रैनम के टैबरनेकल को भी. So I have the words of Brother Branham himself. क्योंकि मेरे पास भाई ब्रैनम के अपने शब्द हैं. That we have all kinds of people who come and go in the church. कि हर किस्म के लोग आते जाते हैं चर्च में. Is that right? क्या बात सही है? We have all kinds of spirits. सब किस्म की आत्माएं हैं. And we have to deal with those spirits. और हमें संबोधित होना है उन आत्माओं के साथ. I hope you're understanding it. क्या समझ रहे हैं आप? We are addressing that devil.
हम संबोधित हो रहे हो शैतान के से. And that devil will never like you to come up to a higher level. और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप एक उच्च श्रेणी पे उठ के जाएं. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? But this will be a greatest defeat for the devil if somebody understands a right approach to God and receives his redemption. और शैतान की सबसे बड़ी हार ये होगी जब एक शख्स को एक राइट किस्म का अप्रोच समीप जाना खुदा के हो जाए और उसको पवित्र आत्मा मिल जाए. Blessed is the man, मुबारक वो इंसान है, whom thou causes to approach in your courts, जिसको कि आप अपने आंगनों में आने देते हैं. Is that right? क्या बात सही है? And we need to understand, और हमें ये समझना जरूरी है, what kind of an approach is that? ये किस किस्म का अप्रोच है? Now you say, brother, this is a basic topic. आप कहेंगे भाई ये तो आधारी शिक्षा है. No, no, it's not a basic topic. नहीं नहीं आधारी शिक्षा नहीं है. This is very essential today. आज ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है. I'm telling you by experience. मैं तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ. This is the most important topic now. ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है आज. Which you and I have to address. जिसको कि आपको और मुझे सामना करना है. Because if we don't address it, तो अगर हम इसको नहीं देखेंगे, there'll be a bomb blast. तो एक बड़ा धमाका होगा. It'll be big bad things. बड़ी बुरी चीजें होंगी. And we need to catch things in the time. और हमें समय रहते चीजों को पकड़ने की जरूरत है. So that we can make rectifications. ताकि हम सुधार कर सकें. Amen. Amen. God really bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. And now I'm going to show you. और अब मैं आपको दिखाऊंगा. How a power of confession brings redemption in somebody's life and can bring it in your life. कैसे अंगीकार की सामर्थ एक किसी के जीवन में इस छुटकारे को ला सकता है और मैं कहूंगा आपके जीवन में भी ला सकता है. Turn with me to Hebrews. मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री. And you know the chapter, chapter 4. और आप उस अध्याय को भी जानते हैं जो कि चौथा अध्याय है. And let's read a scripture first. और आइए पहले कायद को पढ़ते हैं. Just one minute, please. Just one minute, please. Let's read verse 14 to verse 16 first. पहले 14वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे. Hebrews 4, 14 to 16. Read it in Hindi, brother, to cut short the time. समय बचाने के लिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं. 14वीं आयत से इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात खुदा का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. एंड देन नाउ इन चैप्टर 9 और अब चैप्टर 10 दसवें अध्याय में. एंड नाउ वी आर रीडिंग वर्स 22 टू 23. 22वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ रहे हैं. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर खुदा के समीप जाएं. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है. Amen. Amen. Let us hold fast the profession of our faith. आओ हम दृढ़ता से अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे. You know what Brother Branham said on this? आप जानते हैं भाई ब्रैनम ने क्या कहा इसके विषय में. Suppose you are sick. मान लीजिए आप बीमार हैं. And you come to the church. और आप चर्च में आए. And now God puts a faith in you, of course. और बेशक खुदावन आपके हृदय में और आपके अंदर एक विश्वास को डालते हैं. And you come to the minister. और आप सेवक के पास आते हैं. And the minister prays for you. और सेवक आपके लिए आपके प्रार्थना करता है. And then he says, now go back, brother, believe you're healed. और तब वो कहता है भाई अब आप वापस लौट जाएं और विश्वास करें आप चंगे हो चुके हैं. Then the prophet said the next thing. तब नबी ने कहा अगली चीज. After you are being prayed for. जब आपके लिए दुआ हो गई उसके बाद. And you have done everything God's word required you to do. और आपने हर एक वो कर लिया जो खुदावन के वचन ने चाहा था कि आप करें. Don't just hold your faith in your heart. केवल आप विश्वास को अपने हृदय में थामे ना रहे. You are not just to say I believe. आपको केवल ये नहीं कहना मैं विश्वास करता हूं. What kind of faith?
किस किस्म का विश्वास? That I am healed. कि मैं चंगा हो चुका हूं. He said, now pronounce that faith by your lips. तब उन्होंने कहा कि अब इस विश्वास का अंगीकार अपने होठों के द्वारा करें. Start speaking it loudly. जोर से बोलना शुरू करें. Start saying it everywhere. हर जगह कहना शुरू कर दें. From that minute start saying. उसी मिनट से ये कहना शुरू कर दें. You know what? आप जानते क्या? I'm healed. मैं चंगा हो चुका हूँ. Though the symptoms may still be there, yet भी लक्षण अभी वही मौजूद हैं. Though the things may not have started, हो सकता भी चीज चालू ना हुई हो. But that faith has arrived. लेकिन वो विश्वास आ चुका है. And now when that faith has arrived, और जब वो विश्वास आ चुका है, you already have the buying power. तो आपके पास पहले से वो खरीदने वाली सामर्थ्य है. And now you start telling everybody, और आप तब हर एक को बताना शुरू करते हैं, I'm healed. मैं चंगा हो चुका हूँ. And you know about that blind man? और आप जानते हैं उस अंधे आदमी के बारे में? Everywhere he started claiming his faith. हर जगह जाकर के उसने दावा भरने लगा अपने विश्वास का. Though his eyes had not come open, यद भी उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी. But he was claiming his profession. लेकिन वो अपने अंगीकार को बोल रहा था. While he was confessing it in one barber shop, जबकि एक नाई की दुकान में वो अपने अंगीकार को, अपने विश्वास के अंगीकार को कर रहा था. The barber said, नाई ने कहा, What kind of things are you saying, sir? श्रीमान आप किस किस्म की बातें कह रहे हैं? I've been prayed for, sir. उसने कहा, श्रीमान मेरे लिए तो प्रार्थना हुई हो चुकी है. I'm healed, I can see. और मैं चंगा हो चुका हूं, मैं देख सकता हूं. The barber laughed. नाई हंसा. I know it. मैं जानता हूं. Can you see that mirror in front of you? क्या आपने सामने के दर्पण को तुम देख सकते हो? Or can you see me? या तुम मुझे देख सकते हो? You can only feel that I'm cutting your hairs. तुम केवल महसूस कर सकते हो कि मैं तुम्हारे बाल काट रहा हूं. You can't see me. तुम मुझे देख नहीं सकते. He said, but I know I'm healed. लेकिन भाई जॉन राइन ने क्या कहा? मैं जानता हूं मैं चंगा हो चुका हूं. Suddenly his eyes came open. अचानक से उसकी आंखें खुल गई. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, God is a high priest. खुदावन महायाजक है. And is acting on your confession. और वो आपके अंगीकार पे काम करते हैं. Listen, this is a big thing. सुनिए, ये बहुत बड़ी चीज है. This is not a small thing. ये कोई छोटी छोटी मोटी चीज नहीं है. High priest has all the powers. महायाजक के पास सब सामर्थ्य है. He can turn the road anyway. वो मार को कहीं भी मोड़ सकते हैं. He can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं. He is creator. वो सृष्टि करता है. He has got limitless powers. उनके पास असीमित सामर्थ्य है. He's bursting with powers even right now. इस समय भी मैं कहना चाहूंगा वो सामर्थ्य से फट रहे हैं. But if some faith drops in somebody's life, लेकिन अगर कोई विश्वास हो जो किसी के जीवन में आ जाए, and he says, Lord, I believe. और वो कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. And not just I believe. और केवल ये नहीं कहना कि मैं विश्वास करता हूँ. Believe for what? किस बात के लिए विश्वास करते हैं? That you can do this. कि आप ये कर सकते हैं. And not can do it, you have done it. और कर सकते नहीं, आपने कर दिया है. Brother Branham says, hope wishes that it is done. नबी ने बताया कि आशा इच्छा करता है कि ये हो जाए. But faith says it's finished. Amen. लेकिन विश्वास कहता है ये पूरा हो चुका है. If you are rapturing faith, sorry. If you are rapturing faith, अगर आपके पास उड़ने वाला विश्वास है, it says your rapture is done. वो ये कहता है कि आपका रैप्चर हो चुका है. God has foreordained your rapture. खुदावन ने पहले से आपके रैप्चर को ठहरा दिया है. He has foreseen you flying. उसने आपको पहले से उड़ते देख लिया है. And everywhere you go, you say, I'm not going to die. हर जगह आप जाते, I'm not going to die. हर जगह आप जाएंगे, आप कहेंगे, मैं मरने वाला नहीं हूँ. मैं मरने वाला नहीं हूँ. I'm going to fly. मैं उड़ने वाला हूँ. I will fly. मैं उड़ जाऊंगा. But you have not flown. अगर आप शायद उड़े ना हो. Somebody said, you are not flying. अगर कोई कह रहा है कि कोई आपसे कहे कि आप उड़ तो नहीं रहे. But I will. लेकिन मैं उड़ूंगा. Oh, we'll see. We'll see. हम देखेंगे. But one day you will. लेकिन एक दिन आप उड़ेंगे. God the high priest, आपके पास महायाजक है, who quickly acts on your confession, जो तुरंत आपके अंगीकार पे कार्यान्वित होते हैं. In other words, the high priest is not acting on his own. दूसरे शब्दों में जो महायाजक है वो अपने आप काम नहीं कर रहे. He has everything. बेशक उनके पास सब कुछ है. But he's waiting for your confession. लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं आपके अंगीकार का. The minute you confess, जिस मिनट आप अंगीकार करते हैं, the high priest does the thing. महायाजक उस काम को करते हैं. Now listen. आप सुनिए. I almost awoke the whole night yesterday night. Sit down, please. कल रात मैं लगभग
लगभग लगभग पूरी रात जगा रहा. Because I was searching this one word, confession and confess. क्योंकि मैं इस एक शब्द को अंगीकार को और अंगीकार को मैं ढूंढ रहा था. There are about 930 quotes and I went through every one. लगभग 930 हवाले हैं और मैं लगभग हर एक हवाले में गया. So I know what I'm preaching tonight. तो मैं जानता हूं आज रात्रि मैं क्या प्रचार कर रहा हूं. What the prophet said. जो कुछ नबी ने कहा. From A to Z. A से लेकर Z तक. Listen to it carefully. ध्यान से सुनिए. The prophet said. नबी ने कहा. Confessions are made to the one whom you have done the wrong. अंगीकार उसके सामने किया जाता है जिसके लिए आपने जिसके विरोध में आपने गलत किया है. Now try to understand. आप समझने की कोशिश करें. Any sin that you do. कोई भी पाप जो आप करते हैं. Sin actually is unbelief. और पाप तो बेशक देखा जाए तो अविश्वास है. But it has its symptoms. लेकिन उसके लक्षण हैं. Cigarette smoking. सिगरेट धूम्रपान करना. Alcohol. शराब पीना. Lust. वासनाएं. And all kinds of wrong things. और हर किस्म की गलत चीजें. Whom are you doing wrong against? आप किसके विरोध में गलत कर रहे हैं? God. खुदा के विरोध में. Then in one quote, Brother Branham says. फिर एक हवाले में नबी ने कहा. You don't confess to a man. आप किसी आदमी के सामने जाके अंगीकार नहीं करते. You confess to God. आप खुदा के सामने अंगीकार करते हैं. Because the real confession belongs to God. क्योंकि वास्तविक अंगीकार खुदा के सामने होना लाजमी है. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे हैं आप. I'll confess it to the church. मैं चर्च के सामने इसका अंगीकार करूंगा. I'll tell you some confessions which are made before the church. मैं आपको बताऊंगा कुछ अंगीकार जो कि कलीसिया के सामने किए जाते हैं. It is when somebody denies the message, somebody who leaves the church. ये एक ऐसा शख्स है जो कि संदेश को नकार दे और कलीसिया को छोड़ के चला जाए. And he has gone. और वो चला गया. And he left the church. He spoke against the church. और वो कलीसिया को छोड़ के चला गया. उसने कलीसिया के विरोध में बातें की. Now he has to come and explain why he's coming back. अब उसको आके समझाना जरूरी है कि मैं वापस अब क्यों लौट रहा हूं. भाई लाल ने एक पुरानी बात कही थी. गए तो क्यों गए और आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो. याद है लाइन आपको. That is a confession which is done before the people. अब ये एक ऐसा अंगीकार है जो कि लोगों के सामने किया जाता है. But any sin, लेकिन कोई भी गुनाह हो, which has to be confessed really, जिसका कि वास्तविकता में हकीकी तौर पे अंगीकार जरूरी है. You know it's a Catholic doctrine that the church remits sins. आप जानते हैं ये कैथोलिक शिक्षा है कि जो कलीसिया है वो गुनाह को माफ करता है. कलीसिया के सामने कन्फेस करो, कलीसिया गुनाह को माफ करेगा. नबी ने कल कोट पढ़ रहा था. He said confession is done to the one who has power to forgive you. नबी ने बताया कि अंगीकार उसके सामने किया जाना जरूरी है जिसके पास सामर्थ है माफ करने की. And the Catholics said. और कैथोलिक्स ने कहा. The church has been given authority to forgive sins. कि कलीसिया को अधिकार मिला है कि वो गुनाह को माफ करे. Brother Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. Because Lord Jesus said. प्रभु यीशु मसीह ने कहा. Whose sins you remit are remitted, whose sins you retain are retained. जिसके गुनाह तुम माफ करोगे वो उसके माफ होंगे और जिसके तुम रखे रहोगे वो रखे रहेंगे. The prophet said then okay. तब नबी ने कहा ठीक है. Let them remit it like the original apostles did. फिर ऐसा हो कि वो ऐसे माफ करें जैसे मूल प्रेरितों ने किया. Because when the time came for Peter for remitting the sin, he said, "Repent and be baptized in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." क्योंकि जब यह बात पत्रस पे आई कि वो माफ करे गुनाहों को, तो पत्रस ने कहा, "तौबा करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा." Listen now. अब सुनिए. This is something to be understood. ये कुछ समझने योग्य बात है. Repent to whom? किसके सामने तौबा करें? God. खुदा के सामने. The Lord who made Jesus both Lord and Christ, you have crucified. जिस यीशु को खुदा ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, उसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया. Now repent. अब तौबा करो. So they repented. तो उन्होंने तौबा किया. And were baptized. और उनका बपतिस्मा हुआ. And 3,000 were inside the fold. और 3,000 उसी समय गल्ले में शामिल हो गए. So now that is the repentance and a confession. तो ये है तौबा और ये मैं कहूंगा मैं एक अंगीकार है. Almost most of the courts of Brother Branham are coming to an altar call. He said, "Now make a public confession. Stand up and repent and confess your sins to the Lord."
और आप अधिकतम हवाले भाई ब्रैनम का देखेंगे जब वो बोल रहे हैं और वो आमतौर से बोल कहां रहे हैं, उस ऑल्टर कॉल के ऊपर बोल रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से आइए खुदा के सामने, आइए अपने मुंह से अंगीकार करिए, अपने पापों को अंगीकार करिए और अंगीकार करिए खुदा के सामने। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। देन देयर इज अ कोट, फिर एक हवाला है। यू विल बी एस्टोनिश्ड बट इट्स देयर, आई थिंक आई मेंशन्ड इट प्रीवियसली, लेकिन हो सकता है कि आप हैरान हो लेकिन मैंने इसको पहले आपके सामने उल्लेख दिया है। He said, "You people who come in the healing line." उन्होंने कहा आप लोग जो कि प्रार्थना पंक्ति में आते हैं। Holy Spirit will always try to find the cause. पवित्र आत्मा तो हमेशा ढूंढने की कोशिश करेगा कि कारण क्या है। And cause might be, he said, an unconfessed sin. और नबी ने बताया कि कारण एक ऐसा गुनाह जिसका अंगीकार नहीं किया गया वो है। हो सकता है। हो सकता है। And then the Holy Spirit's not me, said, "I don't have control. I'll speak out." And your sin will be spoken out before the public. और नबी ने कहा कि जब मैं वहां खड़ा होता हूं पवित्र आत्मा मेरे पर आता है, मेरा अपना नियंत्रण नहीं होता, पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण लेता है, मैं उस गुनाह को बोलूंगा पब्लिक के सामने। Because it's not me speaking, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, it's the Holy Ghost speaking, ये पवित्र आत्मा है जो बोलता है। Then he told the people, फिर उसने लोगों से कहा, if you don't want your sins to be spoken publicly, come confessing to the Lord. Then come here. और उन्होंने कहा लोगों से अगर आप नहीं चाहें कि सब भीड़ के सामने आपका जो गुनाह है वो उजागर हो, इसलिए पहले जब आप यहां पर आए तो अपने गुनाह को खुदावन के सामने अंगीकार करते हुए पहुंचे। In other words, when you confess to the Lord, दूसरे शब्दों में जब आप खुदावन के सामने इसका अंगीकार करते हैं, the minute you say, Lord, forgive me, जिस मिनट आप कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर दे, this is my wrong, ये मेरी गलती है, he is a high priest, वो हमारे महायाजक हैं, who's ready to act on your confession, जो कि आपके अंगीकार पे कार्यान्वित होने को तैयार है। Immediately the blood arrives. तुरंत खून आ जाता है। Once under the blood, एक बार खून के नीचे, you have confessed that wrong. आपने उस गलती का और उस गलत काम का आपने अंगीकार किया। Now you come in the prayer line. अब आप प्रार्थना पंक्ति में आएंगे। He said, I cannot find it. वो कहते हैं कि मुझे वो त्रुटि दिखती नहीं है। I cannot find that sin. मुझे वो गुनाह दिखता नहीं है। I cannot see it. मैं उसको देख नहीं सकता। Holy Ghost can't see it. पवित्र आत्मा उसे देख नहीं सकता। This is the beauty of the Holy Ghost. यह है खूबसूरती पवित्र आत्मा की। Once under the blood, it's finished. एक बार लहू के नीचे तो सारा गुना खत्म हमेशा। I hope you're understanding it, brother, sister. मैं सोचता हूं मेरे भाई मेरी बहन आप समझ रहे होंगे। But that is very important. लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। He's a high priest. वो हमारे महायाजक हैं। Who's acting on our confession. जो कि हमारे अंगीकार पे कार्यान्वित होते हैं। Then there are some special confessions, of course. और फिर कुछ खास अंगीकार ऐसे होते हैं। Like between husband and wife. जैसे कि पति और पत्नी के बीच के। Like between a boy and a girl sometimes. जैसे कभी कभी एक लड़के और लड़की के बीच में। Which the prophet explained. जिसको नबी ने भी समझाया। That she has to confess. कि जरूरी है कि वो लड़की उस लड़के के सामने अंगीकार करे। That's right. And in fact, that is a different confession. और ये बात बिल्कुल सही और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल फर्क किस्म का अंगीकार है। When a husband does a wrong or a wife does a wrong, he has to confess to her, she has to confess to him. जब एक पति पत्नी के विरोध में एक गलत काम करे या पत्नी जो है वो पति के विरोध में गलत करे तो जरूरी है कि वो आपस में एक दूसरे के सामने अंगीकार करें। How many of you remember Branham said? कितने आप में से कितने जानते हैं भाई ब्रैनम ने कहा? A lady came to me in the meeting. एक स्त्री मेरे पास सभा में आई। Is that right? ये बात सही है। And when she came to me in the meeting, और जब वो मेरे पास सभा में आई, she was so sick and bad and she couldn't be healed. और वो इतनी बीमार थी, हद तक बीमार थी कि वो चंगी नहीं हो पाई. Or I think it was in a private interview. शायद मैं सोचता हूँ कि एक निजी प्राइवेट इंटरव्यू में थी. And he looked at her and he said, और भाई ब्रैनम ने उसकी ओर देख के कहा, she said, I've been to every psychiatrist and I have got no relief. उसने कहा कि मैं हर एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गई लेकिन मुझे कोई भी इलाज नहीं मिला। My mind is working very bad. मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है। Listen, brother. सुनिए मेरी बात। Now she's not before a doctor. अब वो किसी डॉक्टर के सामने नहीं है। She's before the chief physician in a man. वो एक मुख्य डॉक्टर के सामने है जो कि एक आदमी के अंदर है। He's a just a minute. एक मिनट बहन, आई कैन सी अ कार। उन्होंने कहा बहन मैं एक गाड़ी देख सकता हूं। एंड यू आर सिटिंग इन दैट कार। और आप उस गाड़ी में बैठी हैं। एंड देयर इज अ मैन विद यू। और एक आदमी है आपके साथ। शी एंड यू आर नियरली इन एन एक्सीडेंट। और आप लगभग लगभग एक दुर्घटना के पास दुर्घटना में हैं। नियर अ रेलवे ट्रैक।
एक रेल की पटरी के पास. She screamed. वो जोर से चीखी. Don't say that. इसको मत कहिए. Don't say that. इसको मत बोलिए. Don't speak it out. इसको मत बोलिए. Remember. याद रखिए. When demons are exposed. जब दुष्ट आत्माओं का पर्दाफाश होता है. They scream. वो चीखते हैं. She fainted. वो मूर्छित हो गई. Said that man is not your husband. और तब भाई ब्रह्म ने कहा, वो आदमी आपका पति तो नहीं है. You got to make it right. आपको जरूरी है कि इसका अंगीकार करें, इसको सुधारें. She said, but I have confessed to the Lord. तब उस स्त्री ने कहा, लेकिन मैंने प्रभु के सामने तो अंगीकार कर लिया. That's where the prophet said something else. ये वो जगह है जहां नबी ने कुछ और कहा. You have not done the wrong to the Lord. आपने गलती खुदा के विरोध में नहीं करी. You have done wrong to your husband and to your marriage vow. आपने गलती अपने पति के विरोध में की है और अपनी शादी में जो आपने शपथ ली है उसके विरोध में की है. But we have been married for so many years. लेकिन इतने सालों से हम शादीशुदा हैं. We had two or three children. हमारे दो तीन बच्चे हैं. Said whatever. उन्हें कहा चाहे कुछ भी हो. Whatever. चाहे कुछ भी हो. Even it skins you. चाहे आपकी खाल उधड़ जाए. हाँ, चाहे आपकी खाल भी ना उधड़ जाए. You have to tell him. आपको जरूरी है कि आप जाके उसे बताएं. She started crying. वो रोने लगी. How can I? कैसे करूं मैं इसको? How can I tell my husband this? मैं अपने पति को कैसे बताऊं ये बात? He'll chuck me out. वो मुझे बाहर निकाल देंगे. My home will be broken. मेरा घर टूट जाएगा. The prophet said, "You make a decision." नबी ने कहा, आप फैसला ले बहन. You'd better have your home broken and your husband chucks you out, or God chucks you out. उन्होंने कहा कि आप फैसला ले ले, आप अंगीकार करें, हो सकता है आपके पति आपको बाहर निकाल दे, और अगर नहीं करें तो खुदावंद ही आपको बाहर निकाल देंगे. नहीं नहीं, चूज करो कौन बाहर निकालना बेहतर है. हाँ जी, हाँ जी, पति बाहर निकाल दे या खुदा ही बाहर निकाल दे. यू हैव टू फुलफिल व्हाट गॉड सेड. आपको वो पूरा करना है जो खुदा ने कहा. आर यू लिसनिंग? क्या सुन रहे हैं आप? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए. शी सेड, बट हाउ कैन आई? तो उस स्त्री ने कहा, मैं कैसे करूं इस काम को? अनदर विजन ब्रोक. एक और दर्शन सामने खुल गया. Just a minute. उन्होंने कहा, बहन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. I can see a man. मैं एक आदमी को देख सकता हूँ. Tall, little, bald, but with wavy hairs. कि एक लंबा आदमी है, थोड़ा सा गंजा है, लेकिन उसके कुछ थोड़े-थोड़े बाल हैं. He said, लहरनुमा बाल. Is that your husband? उन्होंने कहा, ये आपके पति हैं? That's right. बेशक. He got the same thing to confess to you. अरे बहन, उनके पास भी वही चीज जो आपको अंगीकार करना है अपने पति को, उनके पास भी वही चीज है जो कि आप उसको आपको अंगीकार करना है. Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? She's been with a woman. वो एक और स्त्री के साथ है. And she was wearing a pink dress, and this is the woman. He described the woman. He said, that woman I know. और नबी ने बताया कि वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनी है और इस किस्म से है. नबी वो औरत कहती, भाई ब्रैनम को देखे, अरे मैं उस औरत को तो मैं जानती हूँ. How can my husband do that? मेरा पति ऐसे कैसे कर सकते हैं? She was not even believing it. वो इसको मान भी नहीं रही थी. The prophet said, go. नबी ने कहा, जाइए. He has to confess that. जरूरी है कि वो तुम्हारे सामने इसको अंगीकार करे. And then you'll find that the spirit will leave you. तब आप पाएंगे ये आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएगी. You don't need a prayer. आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं है. You need an honest confession. आपको जरूरत है कि ईमानदारी के साथ अंगीकार करे. That's why the prophets said many times in many churches, revivals cannot come because people don't make a proper confession. That's right, brother. That's right. और नबी ने कहा, यही कारण है कलीसियाओं में, गिरजों में, लोगों के बीच में बेदारी नहीं आती, क्योंकि वो उचित किस्म का अंगीकार नहीं करते. They want to hide sin. वो गुनाह को ढांकना चाहते. Brother, sin cannot be hidden. लेकिन गुनाह छुप नहीं सकता. You can't hide sin and live. आप गुनाह को ढांक करके जी नहीं सकते. You cannot. आप नहीं कर सकते. Never. कभी नहीं. Never. कभी नहीं. The prophet said. नबी ने कहा. And listen very carefully. और ध्यान से सुनिएगा. If you don't confess your sins. अगर आप अपने गुनाहों को ना माने. You have done in the past. वो जो आपने पहले किए थे. Maybe you have done a confession, but you didn't do a full confession. हो सकता है आपने अंगीकार तो किया हो, लेकिन एक पूर्णतः अंगीकार ना किया हो. Maybe you have done something wrong when you were in a backslidden state. When you were not in a backslidden. When you were in a backslidden state. हो सकता है कि आपने कुछ गलत तब किया हो जब आप एक पिछड़ी अवस्था में थे. He said you need to confess it to the Lord. उन्होंने कहा जरूरी है कि आप प्रभु के सामने इसका अंगीकार करें. If you don't do that, अगर आप ये नहीं करेंगे, one day, एक दिन, your sins will find you. आपके गुनाह आपको ढूंढ लेंगे. Your sins will find you. आपके गुनाह आपको पकड़.
You can't hide it. आप उसको छुपा नहीं सकते. And you have to confess it to the right authority. और आपको जरूरी है कि आप उचित अधिकार के सामने इसका अधिकारी के सामने इसका अंगीकार करें. And that's God. और वो खुदा है. And in the case of a husband and wife. और पति और पत्नी के मामले में. It's between husband and wife. ये पति और पत्नी के बीच की बात है. The Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. That woman left. वो स्त्री चली गई. And when she went. और जब वो गई. And called her husband. और अपने पति को बुलाया. Honey, I have to something to confess to you. कि प्रिय मेरे को कुछ आपके सामने अंगीकार करना है. And both had spent money on her for her psychiatric treatment. और दोनों ने अपने पैसे को बहुत आय से जाया किया ताकि उसको चंगाई मिल सके डॉक्टर के पास जाकर के. Listen what happened. सुनिए क्या हुआ. I said, honey. मैंने कहा, honey. This is the wrong I have done. ये है गलत जो मैंने आपके विरोध में किया है. I got something else to ask you. मेरे को आपसे भी कुछ पूछना है. Were you with that woman? क्या आप उस स्त्री के साथ थे? No. नहीं. He said, no. नहीं. He said, I've been to Brother Branham. मैंने कहा, मैं भाई ब्रैनम के पास गई थी. Immediately he said. तुरंत उसने कहा, You're right. तुम सही हो. My God. सुनिए ध्यान से. The minute she mentioned that name. जिस मिनट उसने उस नाम का उल्लेख दिया. He knew that minister. वो सेवक को जानता था. Who could look into the lives. जो कि जीवनों के अंदर झांक सकता था. Said, you know, I'm sorry. सुने कहा, जानती हो मैं माफी मांगता हूँ. Yes, you're right. आप तुम बिल्कुल सही कह रही हो. I did this wrong. मैंने ये गलत किया. They confessed with to each other. उन्होंने एक दूसरे के सामने अंगीकार किया. Brother Branham went home. भाई ब्रैनम घर गए. And Sister Meeta said. और बहन मीडा ने कहा. Do you think she will return? क्या आप सोचते हैं कि वो वापस लौट के आएगी? Brother Branham said, if she wants healing, she will. भाई ब्रैनम ने कहा कि अगर उसको चंगाई की जरूरत है तो लौट के आएगी. जरूर आएगी. And no long he said that. और जैसे उन्होंने इस बात को कहा. There from the window they saw both husband and wife weeping, holding each other and coming. Oh my. तो भाई ब्रैनम ने और सिस्टर मीडा ने देखा खिड़की से बाहर वो दोनों पति और पत्नी एक दूसरे को पकड़े हुए रोते हुए चलते हुए आ रहे हैं. Said we have confessed, Brother Branham. उन्होंने कहा भाई ब्रैनम हमने आपस में दूसरे के साथ अंगीकार किया है. Now he said go sister. उन्होंने कहा बहन अब आप जाइए. You are absolutely fine. Go. आप पूरी तरह से चंगी हो चुकी हैं. From that time. उस समय से. She didn't need any druggist or a psychiatrist or any doctor to treat her. उन्हें किसी भी दवा की किसी भी साइकाइट्रिस्ट की या किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं कि उसका उपचार करें. The demon left. वो दुष्टात्मा छोड़ के चली गई. Amen. That's the power. यह है सामर्थ. Of a true confession. यह है शक्ति एक सच्चे अंगीकार में. When a confession is done. जब एक अंगीकार किया जाता है. Of course, before a right authority. बेशक उचित अधिकारी के सामने. Mostly it is God. अधिकतम मैं कहूंगा यह खुदा के सामने है. We confess before our God. हम अपने खुदा के सामने अंगीकार करते हैं. And we pray to Him. और उसके सामने प्रार्थना करते हैं. Then secondly. दूसरी चीज. Between husband and wife. पति पत्नी के बीच में. Between a man and a woman when they are getting married. आमतौर से एक लड़का और लड़की. आमतौर से नहीं. मैं कहूँगा एक लड़का और लड़की के बीच में इससे पहले कि उनकी शादी हो. They have to confess to each other. एक दूसरे के सामने जरूरी है कि वो अंगीकार करें. If there was something wrong in their life. अगर कुछ गलत था उनके जीवन में. I've gone through all the courts. मैं तमाम हवालों में से होके गुजरा हूँ. And I found it very clearly. और मैंने स्पष्ट रीति से पाया है. He said, in a right kind of a marriage, it is like this. उन्होंने कहा कि उचित किस्म के विवाह में ये चीज लाजमी है. Now these are the confessions that have to be made. अब ये ऐसे किस्म के अंगीकार हैं जिनको करना जरूरी है. देखो प्यारे भाई बहन, दिल्ली कलीसिया बहुत पुरानी हो चुकी है और इसकी शुरुआत से मैं इसको जानता हूं. कहां से बनी बनती आ रही है, चलती आ रही है. मेरा टारगेट है एक दुश्मन, जिस दुश्मन का नाम है शैतान. And it'll be a big victory for us. और ये हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी. If we can understand the power of a true confession. जबकि हम इस बात को समझ पाए जो सामर्थ पाई जाती है एक सच्चे अंगीकार में. Is that right? ये बात सही है. The confessions are made before God. अंगीकार खुदा के सामने किए जाते हैं. Not before man. आदमियों के सामने नहीं. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप. Sometimes to a pastor. कभी कभी पास्टर के सामने. You know I've been preaching to you. आप जानते हैं मैं आपके सामने प्रचार करता रहा हूं. Because I've been serving you the communion. क्योंकि मैं आपको प्रभु भोज दे रहा हूं. What you have done.
आपने जो कुछ किया है एंड यू कन्फेस इट और आप आके उसका अंगीकार करते हैं एंड वी फाइंड अ रेमेडी और हम उसका उपचार ढूंढते हैं एंड देन दीज आर सम केसेस और ये कुछ ऐसे मामले हैं But in most cases, अधिकतम मामलों में, it's before God. ये खुदा के सामने अंगीकार है. And let that confession be a genuine, heartfelt confession. और ऐसा हो कि ये अंगीकार एक बहुत ही वास्तविक, हकीकी हृदय के द्वारा दिया गया खुदा के सामने अंगीकार हो. Because the high priest cannot do anything. क्योंकि महायाजक कुछ कर नहीं सकता. Until you start confessing, and not just your sins. See that this is a mistake. When we say confess, you think we confess sins. जब हम इस बात को कहते हैं कि हमें अंगीकार करना है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें अपने गुनाहों का अंगीकार करना है. Read this verse. इस आयत को पढ़ें. Confessing not just our sins. अंगीकार करना केवल अपने गुनाहों का ही नहीं. Now confess your faith. लेकिन अब अपने विश्वास का अंगीकार करें. What you believe that God can do in your life. आप क्या विश्वास करते हैं कि खुदावन आपके जीवन में क्या कर सकते हैं? I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप. God really bless you. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. When you confess it, first your wrongs. पहले जब आप अपनी गलतियों का अंगीकार करते हैं. Next thing you confess. अगली चीज आप जो अंगीकार करते हैं. You confess your faith. आप अपने विश्वास, अपने अकीदा का उसके सामने अंगीकार करते हैं. Lord, I believe that you are more than able. प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप योग्य से भी बढ़ करके हैं. That you can forgive my sins. आप मेरे गुनाहों को माफ कर सकते हैं. And pick me out of this state. और इस अवस्था से आप मुझे उठा सकते हैं. And pick me out of this into a higher realm. और यहाँ से उठा के मुझे उच्च श्रेणी में ले जा सकते हैं. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And the high priest says, "What you say?" और महायाजक कहते हैं, जो कुछ तू कहता है, by faith, विश्वास के द्वारा, I will do it. मैं इसको करूंगा. I think you're understanding it, brother, sister. मैं सोचता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, आप समझ रहे होंगे. Now let us see something in the book of Ruth. आइए अब कुछ देखते हैं रूथ की किताब में. Ruth actually got included in this family. आप देखिए रूथ वास्तविकता में आप पाएंगे कि इस परिवार में शामिल हो गई. To begin with, she is a Moabite. आरंभ से देखें तो वो एक मोआबिन थी. Is that right? बात सही है. And that Moabite who had been in a strange land. और एक ऐसी मोआबिन स्त्री जो कि एक परदेशी पराय देश में थी, had been serving idols, और मूर्ति पूजा में थी वो. But this family from Bethlehem went there. लेकिन ये परिवार बेतलहम से वहां पर गया मोआब में. And when it went to Moab, और जब वो मोआब गया, these two girls, Ruth and Orpah, came in that family. तो ये दो लड़कियां रूथ और ओरफा इस परिवार में शामिल हो गई. Now this is the Bible story. अब ये बाइबल की कहानी है. Finally, Mahlon and Chilion died. और आखिरकार हम पाते हैं कि Mahlon और Chilion दोनों मर गए. Even the father Elimelech died. यहां तक कि उनका जो पिता था Elimelech वो भी मर गया. And they heard a news. और उन्होंने उनको एक खबर सुनाई दी गई. Back in Bethlehem, the famine is over. कि वहां पर वापस बेतलहम में जो अकाल है वो समाप्त हो गया है. It is over, it is finished. वो समाप्त हो गया है. And now it is time. और अब समय आ गया है. I can return back. कि मैं वापस लौट सकती हूँ. Naomi leaving the homeland. Naomi मातृभूमि को छोड़ के जाती है. And Naomi returning back to her homeland. और Naomi वापस अपने देश में लौटती है. That's the time she told these two girls. ये था वो समय जब वो लौट रही थी, जब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, What have I to give you? अब मेरे पास क्या बचा है तुम्हें देने के लिए? याद रखना एक बात, जब इंसान के पास कुछ ना रहे देने को, तो एक और देने वाला है जो इंसान से भी बढ़कर है. आपकी समझ में आ रहा है? जब डॉक्टर कहा मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो वहीं एक और खड़ा है कहने के लिए, मेरे पास है. Glory to God. जब कोई कहे इस केस में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं एक और कहता है, मैं सब कुछ कर चुका हूं. Amen. All things are possible to him or her that believes. विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है. Amen for that. आमीन इस बात के लिए. I'll tell you something what happened further. मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ. What have I to give you? अब मेरे पास क्या बचा है तुझे देने के लिए? You return back to your families. तुम दोनों अपने परिवारों वापस लौट जाओ. Orpah finally kissed and wept and went back. ओरफा आखिरकार उसने बात मान ली, उसने उसको चूमा और छोड़ के वापस अपने परिवार में चली गई. You know the message? आप संदेश जानते हैं. She went part of the way. वो आधे रास्ते तक तो गई. But she couldn't go all the way. लेकिन पूरे मार्ग में नहीं जा पाई. That's the foolish virgin. ये है मूर्ख कुंवारी. That's the church, nominal church today. ये नामधारी गिरजा है आज. Who can only follow Christ to a certain distance. जो कि मसीह का अनुकरण और मसीह के साथ साथ
केवल अधूरे रास्ते तक जा सकते हैं but they cannot go all the distance लेकिन पूरे मार्ग में नहीं जा सकते to heirship जिसे कहते हैं संगी वारिस to come to a place when you are in the genealogy of Christ एक ऐसी जगह पे पहुंचे जबकि आप मसीह की वंशावली में शामिल ओफा कुड बी इन द जीनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट ओफा मसीह की वंशावली में नहीं आ पाई बट रूथ केम इन दैट लेकिन रूथ उसमें आ गई शी गॉट इंक्लूडेड इन दैट फैमिली उस परिवार में वो शामिल हो गई नॉट जस्ट नाओमीज़ फैमिली केवल नाओमी के परिवार में ही नहीं नॉट जस्ट बोआज़'स फैमिली केवल बोआज़ के परिवार में ही नहीं इन द फैमिली ऑफ क्राइस्ट लेकिन मसीह के परिवार में डिड शी नो I'll speak some new names. मैं कुछ नए नामों को लूंगा. Did Ruth know? क्या रूथ जानती थी? The family I'm coming in. जिस परिवार में मैं आ रही हूँ. It'll bring a David. ये एक दाऊद को लेके आएगा. Did it know? क्या वो जानती थी? That in future there'll be a Solomon. कि आगे भविष्य में एक सुलेमान होगा. That in future there'll be a Zerubbabel. कि भविष्य में एक Zerubbabel होगा. From this very family I'm going into. इसी खास परिवार में जिसमें मैं जा रही हूँ. We'll bring a Zerubbabel. एक Zerubbabel को लाएगा. We'll bring a revival after the seven decades. सात दशक के बाद वो एक बेदारी आएगी. We'll bring Christ. मसीह को लेके आएगा. The woman seed. जो कि स्त्री का वंश है. Will crush the head of the serpent. जो कि सर्प के सर को कुचल देगा. And will bring eternity. और अनंतता लेके आएगा. We'll bring a millennium. एक हजार सालाना बादशाह लाएगा. She didn't know that. वो इसको नहीं जानती थी. आज आप भाई बहन बॉय गर्ल सबसे कहूंगा. Amen. बेटे बेटी God bless you, my brother. आप सब मेरे बेटे हो. आप सब मेरी बेटियां हो. आप सब मेरे भाई बहन जो भी लगा लीजिए हैं बेटा आपको मालूम नहीं जिस दिन आप सच्चा दिल का फैसला मसीह के साथ चलने का लो तुम्हें मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो आप कर क्या रही हो तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारा फ्यूचर है क्या सच है सच है सच है रूथ डिडंट नो हर हेरिटेज रूथ को मालूम नहीं था कि उसका भविष्य क्या है किस किस्म के परिवार में मैं आ गई I'll tell you another example. मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा. तमार. तमार. And you know her husband had died. और आप जानते हैं उसका पति मर गया. Younger brother had died. छोटा भाई मर गया उसका. And the youngest was just growing up. और सबसे जो छोटा था वो अभी उम्र में बढ़ी रहा था. And they had a law that the younger one will do the job of the elder one. और वहाँ पर एक कानून ये था व्यवस्था ये थी कि जो छोटा भाई है बड़े भाई के परिवार को वो चलाएगा. It was in the scripture. ये वचन में लिखा है. But he was not given to her. लेकिन वो उसको सौंपा नहीं गया. She was sent. वो भेज दी गई. One day she knew. एक दिन वो जानती थी. That Judah, her father-in-law. एक दिन उसको पता लगा कि उसका जो ससुर यहूदा है. He is passing that way. वो उस मार्ग से होके गुजर रहा है. Now listen, I am not glorifying sin. अब देखिए मैं आपके सामने बढ़ावा नहीं दे रहा गुनाह को. And neither does the Bible glorify sin. और ना ही बाइबल गुनाह को बढ़ाती है. But I'm going to show you something. देखिए अपनी समझने की कोशिश करिएगा. Amen. यहाँ एक समझने की बात है और ये सब बाइबल में है. जब उत्पत्ति 38 के अध्याय में पढ़िएगा. Amen. What happens is? क्या होता है? She is sitting on a way. वो मार में बैठी है. And you know what? और आप जानते हैं क्या? She disguised herself as a harlot. उसने अपनी वेशभूषा बदली और अपने आप को बदल करके एक एक वेश्या के रूप में रखा But the next question, लेकिन फिर अगला सवाल Why did she play a harlot? उसने ये वेश्या वाला खेल क्यों रचा Read the Bible. बाइबल पढ़े Because she didn't want to go out of that family. क्यों क्योंकि वो उस परिवार से बाहर नहीं जाना चाहती थी Somehow she had a revelation. किसी रीति से उसके पास अंदर एक मुकाशवा था This is a different family. ये एक फरक परिवार है I know I'm doing wrong. मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ I know I have to die for it maybe. हो सकता है मुझे इसके लिए मरना भी पड़े But I am ready to take a risk. लेकिन मैं इस खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ But I will do what I'm going to do. लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ मैं करूंगी Sheila has not been given to me. Sheila मुझे नहीं दिया गया The youngest son. जो सबसे छोटा बेटा है But I know Judah is coming. लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे ससुर यहूदा आ रहे हैं And Judah couldn't understand it. और यहूदा समझ नहीं पाया And in his unknowingness. और अपनी नासमझी में he did a wrong act with her. उसके साथ उसने गलत काम किया Now what happens next? अगली चीज क्या होती है He promised a goat, I mean a kid of a lamb, I think, to her. और उसने उसको वादा दिया कि मैं तुझे एक मेमने एक भेड़ का बच्चा दूंगा Now what happens next? अगली चीज क्या होती है He sends a servant. वो एक दास को भेजता है That her lord is not found.
अब वो वेश्या मिलती नहीं, पर एक चीज वो वेश्या कर गई, ये अपनी लाठी और अपनी अंगूठी मुझे दे देना। What was on the ring? अंगूठी में क्या था? The family seal. पारिवारिक मोहर. The name of the family. परिवार का नाम. Of Judah. यहूदा का. And what was on the rod? Oh, God bless you. और लाठी में क्या था? आप लोग सोचेंगे वो ऐसी ही लाठी थी. ब्रदर, लाठियों पे पुराने जमाने में वंशावलियां लिखी जाती थी. इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ. उसने पारिवारिक लाठी मांग ली. आमीन. What is that rod today? आज वो लाठी क्या है? The book of redemption. छुटकारे की किताब. The family album. पारिवारिक एल्बम. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? आमीन, आमीन. Later. बाद में. Sit down please. Later. कृपया बैठ जाइए. बाद में. I am showing you how God works redemption. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ खुदाबंद छुटकारे के काम को कैसे करते हैं. Sometimes the stories are awful. कई बार कहानी लगती है बड़ी अजीब सी है. But God is working something. लेकिन खुदाबंद कुछ कर रहे हैं. Listen what happened. सुनिए क्या हुआ. Now what happens next? अगली चीज क्या होती है. Later it's found Judah comes to understand. बाद में ये पता लगता है यहूदा को ये पता लगता है. Oh, so that hell lord was actually Tamar. ओहो, तो ये वास्तविकता में ये जो वेश्या थी ये वो तामार थी. And he knows the law. और उसको व्यवस्था मालूम है. One law. एक व्यवस्था. Her lot has to be burned. कि वेश्या को तो जलाया जाना है जरूरी है. And stone and finished. पथराव करके मार देना है. So he sent his servant, called her. तो उसने अपने दास को भेजा कि बुला के लेके आ. What have you done? तूने क्या किया? An angry judge. एक गुस्सैल न्यायाधीश. What have you done? तूने क्या किया ये? And this is your punishment. और ये तेरी सजा है. He said, before you do the punishment. उसने कहा इससे पहले कि आप मुझे सजा दें. This are the tokens of that man. ये है चिन्हारी उस आदमी की. Who did that act with me. जिसने उस कार्य को इस काम को मेरे साथ किया. Judah immediately understood. यहूदा तुरंत समझ गया. And he said, she has been more righteous than I. तब यहूदा के शब्द ये निकलते हैं, ये तो मुझसे ज्यादा धर्मी है. And then the Bible says, और तब बाइबल बताती है, she had twins, उसके जुड़वे हुए, and the first one that came, और जो पहला पैदा हुआ, when the hand came out, जब हाथ बाहर निकला, they put a scarlet thread, उन्होंने एक लाल धागा बांधा, and Brother Branham said that scarlet thread represented redemption. और नबी ने बताया वो लाल धागा छुटकारे को दर्शाता था. Which goes from Genesis to Revelation. जो कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चलता है. Same scarlet line. वही लाल रेखा. Which was hung by Rahab. जो कि राहाब के द्वारा टांगा गया. Same red blood. वही लाल लहू. Which was put in Egypt. जो मिस्र देश में अलंगों पे लगाया. Same blood of Jesus. और वही प्रभु यीशु मसीह का लहू. On the lives of every believer. Tonight, जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में आज रात ही लगाया गया है. Every life sprinkled by the blood of Jesus Christ. हर एक जीवन जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे है. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं इस बात को? Sit down, please, for a minute. एक मिनट के लिए कृपया बैठ जाइए. But what was the reason? कारण क्या था? She didn't want to leave that family. उस परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी. What's the reason Ruth said, "I will go"? क्या कारण था रूथ ने कहा मैं जाऊंगी. I know I'll not have anything. मुझे मालूम मुझे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. But there's something special about your family. लेकिन रूथ ने कहा अपनी सास से कि कुछ खास बात है आपके परिवार में. There's something special in you. तुम में कुछ खास है. Where you die, I will die. जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी. Where you live, I'll live. जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी. I leave my Moab. मैं अपने मोआब को छोड़ती हूँ. That's the first step. Brother Branham said, "A believer takes." नबी ने कहा ये है पहला फैसला और पहला चरण जो कि एक विश्वासी करता है. I'll not stay in Moab. मैं मोआब में नहीं रहूँगा. Remember, a true confession is that when you deny everything that belonged to the old birth. नबी और आप देखिए सच्चा अंगीकार वो है जब हर एक चीज जो कि पुरानी पैदाइश की जब आप उसको नकारते हैं. And I wish that everybody understands here. और मैं इच्छा करता हूं कि हर एक शख्स यहां पे इस बात को समझे. Everybody, हर एक कोई. That real confession means and repentance means I'm leaving Moab.
कि हकीकी अंगीकार वो ये है कि आप मैं मोआब को छोड़ रहा हूं. There was a Moab in everybody's life. हर एक किसी के जीवन में एक मोआब था. There was a world in everybody's life. हर एक किसी के जीवन में संसार था. But I am leaving it completely. लेकिन मैं पूर्णतया इसे त्याग रहा हूं, छोड़ रहा हूं. Where you die, I will die. जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी. She's even ready to die. वो यहां तक मरने को तैयार है. खुदावन ये कन्फेशन सुनना चाहते हैं. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And when she made that decision, और जब उसने ये फैसला लिया, Ruth said, "Fine." Ruth ने Sorry, कहा, Naomi. Naomi ने कहा, ठीक है. Come with me. मेरे साथ आ जा. And while she's going with him, और जब वो उसके साथ जा रही है, she comes to a strange land. I'm just speaking the quote the prophet said. मैं उन्हीं हवालों को बोल रहा हूँ आपके सामने जो नबी ने बोला, वो एक अजनबी देश में आई. Now there's an aspect we have preached. अब एक पहलू है जिसको हमने प्रचार किया है. Ruth is the Gentile church. Ruth अन्य जाति कलीसिया है. And Naomi is Israel. और नाओमी इज़राइल है. And there's a big picture which is happening today. और एक बड़ी तस्वीर है जो कि आज घट रही है. Amen. आमीन. But we are going to see it today actually in every individual's life. लेकिन हम इसको वास्तविकता में हर एक व्यक्ति का जीवन में इसको देखेंगे. What happens next? अगली चीज क्या होती है? Ruth makes a decision. रूथ एक फैसला लेती है. Like Rebecca made a decision. ठीक जैसे रिबका ने फैसला लिया. I hope you're understanding this. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे. And that is a bride's nature. और ये दुल्हन का स्वभाव है. She makes a quick and firm decision. वो एक जल्दी से और एक बहुत ही पक्का फैसला लेती है. Now we are the bride of Christ. अगर हम मसीह यीशु की दुल्हन हैं. And we are following him. और हम उनका के पीछे चल रहे हैं. We can't come after him until we make a decision. हम उनके पीछे आ नहीं सकते जब तक हम एक फैसला ना ले लें. What is the decision? फैसला क्या है? I'm leaving my old house. मैं अपने पुराने घर को छोड़ रही हूँ. Is that right? ये बात सही है. And I'll go with this man. मैं इस पुरुष के पास के साथ जाऊंगी. Rebecca didn't have two thoughts. रिबका के दो विचार नहीं थे. Maybe I'll think, I will tell you. मैं सोचूंगी, सोच के फिर आपको बताऊंगी. But she made a decision. लेकिन उसने फैसला ले लिया. Is that right? बात सही है. And she made a quick decision. और उसने एक जल्दी फैसला लिया. To follow this man. ताकि इस आदमी के पीछे जाए. I hope you're understanding it. आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप. Now listen to these things carefully. अब इन बातों को ध्यान से सुनिए. That's how every believer does. इस प्रकार से हर एक विश्वासी करता है. Makes a quick decision to follow Christ. एक जल्दी से फैसला लेता है मसीह के पीछे चलने के लिए. And I think we have done that. और मैं सोचता हूं कि हमने किया है. But I want to show you something else. लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा. Then after the decision, फिर फैसले के बाद, she starts laboring. वो फिर मेहनत करने लगती है. Because time would go on, I'll just speak the highlights. समय बीतता जा रहा, मैं आपके सामने केवल सुर्खियां रखूंगा. Listen to this very carefully. इसको ध्यानपूर्वक सुनिए. It's very, very important. बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. She comes to a strange country. वो एक अजनबी देश में आती है. And this is where she starts laboring. और यहाँ पर वो परिश्रम करना शुरू करती है. And starts gleaning in the fields of Boaz. और बोआज के खेत में पहुंचती है, वहां पे सेला बीनती है. God took her there. खुदावन रूथ को वहां लेके गए. You know the message. आप संदेश जानते हैं. While he's there, she's there. Sorry. जबकि रूथ वहां पर है. There is a chief reaper there. वहां पर एक मुख्य काटने वाला है. Now you know who the chief reaper is today. आप जानते हैं कि मुख्य काटने वाला कौन है आज? The prophet brother Branham. नबी भाई ब्रैनम. Amen, amen. And when Boaz, the lord of the harvest, came, और जब खेत का मालिक बोआज वहां पर पहुंचा, his gaze went on that girl. उसकी निगाहें उस लड़की पर पड़ी. Who's that? वो लड़की कौन है? Maybe tonight when he comes to the meeting, he'll say, "Who's that?" हो सकता है आज रात्रि जब वो यहाँ पर आए तो वो कहे, वो कौन है? Who's that boy? वो लड़का कौन है? With that checkered shirt. उस check shirt के साथ. With that specs. उस चश्मे के साथ. With that white shirt or that blue shirt or green shirt. उस सफेद कमीज के साथ, नीली कमीज के साथ, हरी कमीज के साथ. That girl there. वो लड़की वहाँ पर. That girl there. वो लड़की वहाँ वहाँ वहाँ. That one who's wearing that. वो जो वो पहनी, वो लड़की जो वो पहनी हुई है. Boaz looks on the field. बोआज निगाहें लगाता है खेत में. But while he is looking at the field, लेकिन जब वो देख रहा है खेत में, he finds one particular person. उसको एक खास शख्स मिल जाता है. His eyes don't come on every maiden. उसकी आंखें हर एक औरत पे नहीं पड़ती. But on that particular girl, लेकिन उस खास लड़की के ऊपर, who's gleaning in the field, जो कि सिला बीन रही है खेत में. And who's that girl? ये लड़की कौन है? And the chief reaper said, मुख्य काटने वाले ने कहा, she's Ruth, you know. आप जानते हैं ये रूथ है. That Moabites, वो मोआबिन स्त्री, from the house of Naomi, your kin.
नाओमी के घराने से जो तुम्हारी निकट कुटुंबी है. He is telling Boaz. मुख्य काटने वाला बोआज को बता रहा है. She is relations to you. ये तेरी रिश्तेदार है. Oh brother. Oh मेरे भाई. What did a prophet tell the mighty angel? हमारे नबी ने महान बलि दूत को क्या बताया? He introduced this bride to him. इस दुल्हन का परिचय इनके साथ करा दिया. This is your family. ये आपका परिवार है. This is your flesh and your bone. ये आपका मांस और आपकी हड्डी है. This is your word. ये आपका वचन है. Which had been laying in the dust of Moab. जो कि मोआब के धूल मिट्टी में पड़ा हुआ था. But she is a diamond. लेकिन वो तो हीरा है. Oh church of the living God. Oh jeevte khuda ki kalisya. No matter what your life might have been. Isse koi farak nahi padta aapki zindagi kaisi rahi ho. God looks on that seed. Khudavand us beech ko dekhte hain. And then God says. Aur tab khudavand kehte hain. That is my child. Ye mera bachcha hai. That is my son. Ye mera beta hai. That's my daughter. Wo meri beti hai. I know him since the foundation of the world. Maine bina alam se peshtar janta hu. I foreseen him somewhere. Maine isko pehle से कहीं देखा है. Why is he going to the woman at the well? उस स्त्री के पास जो कुएं पे उसके पास क्यों जा रहा है वो? Why is he going to Zacchaeus? ज़कै के पास क्यों जा रहा है? Why isn't he going to a Pharisee's house? किसी फरीसी घर में क्यों नहीं जा रहा? Extra righteous people. जो कि extra righteous लोग हैं. Extra righteousness is actually a devil. और extra righteousness अल्लाह extra धर्मीपन दिखाना ये तो वास्तविकता में एक दुष्टात्मा है. आपको मालूम है ये चीज मैंने प्रचार भी करी है. Yes. A religious spirit and the Holy Spirit. धार्मिक आत्मा और पवित्र आत्मा का फर्क. कभी भी उसके चक्कर में मत आ जाना. बड़ी खतरनाक आत्मा है. हाँ जी. जी हाँ. कभी कभी मुझे भी अटैक करते हो तब मुझे यीशु मसीह के नाम में निकालता हूं. मैं पहले से बता रहा हूं आपको. अपनी निगाहों में छुटकारा कभी ओझल ना होने दें. दैट इज द प्रिंसिपल थीम. यह मुख्य विषय है. देन यू स्टे बैक इन द रोड. तब आप फिर देन यू स्टे बैक ऑन द रोड. फिर आप रोड पे बने रहे रहेंगे रोड पे रहेंगे फिर आप वरना रोड से यूं निकल जाएंगे. अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ. बैठिए. आई वांट टू शो यू समथिंग. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. वो लड़की कौन है? दैट्स रूथ द मोआबाइटिस. अरे वो तो मोआबिन रूथ है. द फैमिली ऑफ नाओमी. यू नो नाओमी योर फैमिली. वो नाओमी का परिवार की है और आप जानते हो नाओमी आपके परिवार की है. ऑफ एलीमेलेक. एलीमेलेक की. इमीडिएटली लव केम. तुरंत प्रेम आ गया. Oh, so she is my family. Oh, तो ये मेरे परिवार की है. Maybe a Moabite. हाँ हो सकता है मोआबिन हो. But actually, she was my family. लेकिन वास्तविकता में ये मेरे परिवार थी. By virtue of that marriage to Mahlon or whoever it was, she is my family. Mahlon के साथ शादी की वजह से या जो कुछ रहा हो यह मेरा पारिवारिक सदस्य है. Okay. ठीक है. Give us some extra handfuls. हाँ उसको कुछ extra handfuls उसको थोड़ा सा और भर के दे देना. Whenever she comes to the meeting. जब कभी वो सभा में आए. Give us some extra mysteries. उसको कुछ एक्स्ट्रा भेद दे देना. Give us some extra nuggets. उसको कुछ एक्स्ट्रा नगेट दे देना. Maybe a Tuesday nugget, or maybe a Sunday morning nugget, or maybe a Sunday evening nugget, or a Thursday nugget. हो सकता है एक मंगलवार का नग दे देना. हो सकता है एक संडे की सुबह का नग दे देना. एक संडे की शाम का नग दे देना. हो सकता है एक बृहस्पतिवार का नग दे देना. Let us feed on those sandwiches. ऐसा हो कि वो उन सैंडविचेस को खाए. And said, "Don't worry, my daughter. चिंता मत करना बेटी. Come here and sit. यहाँ पर आ और बैठ. With my young man. मेरे जवानों के साथ. Nobody will do any harm to thee. तेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा. This is my field. ये मेरा खेत है. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप. And you do whatever. I mean, you get your extra handfuls. Everything I've told to my reapers. और मैंने अपने काटने वालों को बोल दिया है कि वो और सिलाओं को नीचे गिराते जाएंगे छोड़ते जाएंगे तुम्हारे ताकि तुम उसको बटोर लो. So she continued in that fellowship. तो वो संगति में बनी रही. She continued in those meetings. उन सभा में वो आती रही. She continued with the Boaz church attendance. वो अपने बोआज की चर्च अटेंडेंस में बनी रही. Can we say amen? क्या हम नहीं कह सकते हम? Till the end of the harvest. उस फसल उस कटनी के अंत तक. When the time had come. जब समय आ चुका था. That the seed should be separated from the shack. बूझ बीज भूसी से अलग किया जाए. And a voice came. और एक आवाज आई. Gog, Magog, Meshech and Tubal. Gog, Magog, Meshech, Tubal. Oh church, I'm showing you something tonight. कलीसिया मैं आपको आज रात्रि कुछ दिखा रहा हूं.
Brother Branham said, after Joshua had died. Nabi ne kaha Yahoshu ke marne ke baad. In the days after Joshua had gone. Yahoshu ke jaane ke dinon ke baad. There came this time. Ye tha samay jo aaya. Our Joshua was a prophet. हमारे यहोशू हमारे नबी थे. In other sense, is the Holy Ghost. एक दूसरे माने में वो पवित्र आत्मा है. But the prophet had a Joshua commission. लेकिन नबी के पास यहोशू वाली ठहराई सेवकाई थी. Of course, it's still going today. बेशक आज भी वो चल रही है. Your people are still claiming their inheritance. लोग बाग आज भी अपने मीराज पे दावा भर रहे हैं. Is that right? ये बात सही है. But that man has gone. लेकिन वो पुरुष जा चुका है. In the days after Moses. और मूसा के दिनों के बाद. In the days after Joshua. यहोशू के दिनों के बाद. There came a time. एक समय आया. That there's a man in the field. एक मनुष्य है खेत में. A mighty angel. एक महान शक्तिशाली दूत. A perfect type of Christ. एक सिद्ध तस्वीर मसीह की. And there's a bride there. और वहां पर एक दुल्हन है. Who has made her decision. जिसने अपना फैसला ले लिया. फैसला. फैसला एक बहुत बड़ी चीज है. आमीन. Keep that in mind. इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा. Now I would like to go a little further with you. मैं थोड़ा आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा. एंड शो यू समथिंग. और आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. इट्स नॉट अ रैंडम डिसीजन. ये कोई अटकल में फैसला नहीं है. इट इज अ डिसीजन दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच हैज स्टेजेस. ये एक ऐसा फैसला है जो कि एक खास दिशा में है जिसमें अवस्थाएं हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इसको समझने की कोशिश करें. This is very, very important for you and I to understand. आपके और मेरे लिए समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है. In a proper marriage, एक उचित विवाह में, when decisions are taken, जब फैसले लिए जाते हैं, that decision is shown at the altar. वो फैसले जो है वो वेदी पे दिखाए जाते हैं. In the form of an engagement, एक सगाई के रूप में. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे. And the prophet said, और नबी ने कहा, you're as good as married. कि जब आपकी सगाई होती है तो लगभग लगभग ये शादी बराबर है. Which I've been preaching to you all these days. इतने दिनों में मैं आपके सामने प्रचार करता आया हूं. Try to understand it. इसको समझने की कोशिश करें. It's not a random decision. ये कोई अटकल में फैसला नहीं है. No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं. It's a decision which has a public confession. ये एक ऐसा फैसला है जिसमें कि एक सामूहिक एक सामाजिक अंगीकार है. I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे. Because when Ruth decided, जब रूथ ने फैसला लिया, her decision came in the form of works. उसके फैसले कामों में होकर दर्शाए गए. Can you understand it? क्या समझ रहे हैं आप? And when it was shown in the works, और जब वो काम में दर्शाए गए, she came to the field of that man Boaz. उस आदमी बोआज के खेत में वो आई. A perfect type of Christ. एक सिद्ध तस्वीर मसीह की. Where we come, जहां हम आते हैं. And we find grace in his sight. और हमें अनुग्रह उनकी दृष्टि में मिलता है. How sweet it is to hear her telling Boaz. कितना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि वो बोआज को बताती है. Why have I found grace in your sight? मुझे ये अनुग्रह आपकी दृष्टि में क्यों मिली. Is that right? बात सही है. Don't you feel some time in your life like this? क्या कभी कभी अपने जीवन में आप ऐसा नहीं महसूस करते? बिल्कुल ब्रदर. When you look in your life, जब आप अपने जीवन में झांकते हैं, and how great he is, और ये कितने महान है. Don't you also feel in your life like this? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा महसूस नहीं करते? My brother, my sister, I do it many times. मेरे भाई, मेरी बहन, मैं कई दफा करता हूं. What have I done? मैंने क्या किया है? What good am I? मैं मेरे अंदर क्या अच्छा है? Did I merit any of his grace? क्या मैं उसके अनुग्रह के कुछ योग्य था? But thank God, brother. लेकिन खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाइयों. You found grace, brother. मेरे भाई, आपको अनुग्रह मिल गया. You found grace, my sister. मेरी बहन, आपको अनुग्रह मिल गया. I found grace. मुझे अनुग्रह मिल गया. We are one in a million. हम 10 लाख में एक हैं. We are very special. हम बहुत खास हैं. We are a very special race. हम एक खास जाति हैं. Whom the devil will try to destroy, but he cannot. जिसको कि शैतान बर्बाद करने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं सकता. He has to be defeated. जरूरी है वो पराजित किया जाए. We have the blood of Jesus. हमारे पास यीशु मसीह का. We have a message. हमारे पास एक संदेश है. Which is more powerful than any sin. जो कि किसी भी गुनाह से ज्यादा शक्तिशाली है. बैठिए. Amen. अब आप ध्यान से सुनिए आगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं. आपको बातें समझ में आएंगी. One day later on, एक दिन बाद में, Naomi looks at Ruth and says,
नाओमी रूथ की ओर देख के कहती है, यू हैव बीन सो गुड टू मी, तूने मेरे लिए बहुत अच्छाइयां करी हैं, नाउ शुडंट आई फाइंड रेस्ट फॉर यू, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं? इसका मतलब क्या शादी एक रेस्ट है? आमेन, आमेन, इट्स एंटरिंग रेस्ट, ये विश्राम में प्रवेश करना है. क्राइस्ट इज कॉलिंग अस टू हिज रेस्ट, मसीह हमें अपने विश्राम में बुला रहे हैं. He's calling us to a marriage union. हम एक विवाह के मिलन में बुला रहे हैं. Is that right? Now see what happens. अब देखिए क्या हुआ. So here is the thing. यहाँ वो चीज है. So what do you mean, my mother? What do you mean, my mother? वो अपनी सास से कहती है, माँ आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब बेटा ये है, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि जब ओरपा थी तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन आज मुझे एक लॉ याद आ रहा है. Amen. जब तक ओरपा थी तो यह व्यवस्था क्यों नहीं याद आई मैडम? ओरपा का भी फायदा कहीं ना कहीं हो जाता. अरे ये भेद तो खुल ही नहीं सकता था. Amen. जब तक ओरपा थी. सच है. What is this mystery? ये भेद क्या है? This mystery will unite you in that family. ये भेद तुम्हें उस परिवार में शामिल कर देगा. Will marry you to that Christ, the mystery. वो तुम्हारी शादी मसीह के साथ करा देगा जो भेद है. And you'll start working that mystery in your life. और वो भेद आपके जीवन में कार्यान्वित होना शुरू हो जाएगा. The ultimate purpose for which you have been called. वो मुख्य उद्देश्य जिसके लिए तुम बुलाई गई हो. It was not just to be a housewife. ये केवल एक गृहिणी बनने के लिए नहीं था. It was to be a carrier of a seed. ये इसलिए था ताकि ये बीज को आगे लेके चले. Which is Christ. जो कि मसीह है. I hope you're understanding it, church. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कलीसिया. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. And so what happens? So क्या होता है? She says, tonight he'll be resting. तो नाओमी ने रूथ से कहा, आज रात वो विश्राम करेगा. उसे अपने घर के बारे में सब मालूम है. हाँ जी, वो वहां होगा, ढूंढ लेना, वहीं खेत में होगा. एंड ही विल बी मैरी एंड वेरी हैप्पी. नाउ यू डू समथिंग, टेक बाथ एंड टेक अनॉइंट योरसेल्फ विद ऑयल. और उसने कहा कि वो वहां पर बहुत आनंदित होगा. तू एक काम करना, तू नहाना और अपने सर पे तेल लगाना और तब सर पे नहीं, अपने पूरे बॉडी को अनॉइंट करना, अपने पूरे शरीर को तेल लगाना और फिर वहां पे जाना. And just uncover his feet and lay down. और उसके पांव को उघाड़ करके वहां लेट जाना. Listen carefully. यहां से सुनिए. She's told something which is very awkward. उसने कुछ ऐसी बात बोली जो कि बहुत ही अजीब सी लगती है. But Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा. The Bible says, mark that place. भाई ब्रैनम ने कहा, उस जगह को मार्क कर लेना. Where he lay. जहां पे वो लेटा है. And what did he say in the message? और उन्होंने कहा कि ये संदेश में क्या है? He said, that is the cross. नबी ने बताया वो क्रूस है. Where he lied down for your and my sins. जहाँ पे वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए लेट गया. Did he say that in the message? क्या उसने संदेश में ये कहा? Go to that cross. उस क्रूस पे जाना. In other words. दूसरे शब्दों में. After confession. अंगीकार के बाद. नबी ने बोला यही प्रॉब्लम है चर्चेज में प्रॉब्लम, क्योंकि वो कन्फेशन भी नहीं समझते. He said, after confession, नबी ने कहा अंगीकार के बाद, the next thing is, अगली चीज ये है, you have to now die with him. कि अब आपको जरूरी है कि आप उसके साथ मर जाएं. Lie with him. उसके साथ लेट जाएं. Lay where he lay. जहां पे वो लेटा वहां पे आप भी लेट जाएं. Die with him at the cross. क्रूस पे उसके साथ मर जाएं. Let an old man be crucified with his effects. ऐसा हो कि पुराना मनुष्य तो अपने असरातों के साथ वहां पर क्रूस पे मर जाए. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready to crucify your mobiles? क्या आप तैयार हैं कि अपने मोबाइल्स को क्रूस पे चढ़ा दें? Crucify your, your gamings. अपने जो गेमिंग है इनको आप क्रूस पे चढ़ाने को तैयार हैं? Filthy chattings. ऐसे गंदे गंदी बातचीतें. Filthy jokes. गंदे जोक्स. And filthy talks. और गंदी बातचीतें. Are you ready to, crucify all that belongs to the old man? जो कुछ पुराने मनुष्यत्व का आप क्या तैयार हैं उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए? Filthy clothes. गंदे कपड़े. Filthy companies. गंदी संगतियां. Filthy places. गंदी जगहें. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है.
you'll find that this change keeps on coming gradually. आप पाएंगे कि ये बदलाव धीमे-धीमे आता रहेगा. It's the work of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का काम है. But at least you submit yourself. लेकिन कम से कम आप अपने आप को सौंपते तो ये समर्पित तो करें. देखिए रूथ ने अपना दिमाग नहीं लड़ाया. हाँ जी. No. Ruth said, "Whatever you said, I will do." रूथ ने कहा जो कुछ आप कह रही हैं मैं वो करूंगी. And Boaz is not a naughty man. और बोआज कोई नटखट इंसान नहीं है. He's a very nice man. बहुत ही अच्छा आदमी है. At midnight he woke up. आधी रात को वो जगा. Who's this girl? ये लड़की कौन है? This is Ruth, the Moabitess. ये रूथ है मोआबिन. Now this is where her confession begins. अब ये वो स्थान है जहाँ पे उसका अंगीकार चालू हुआ. She's confessing to her kinsman. वो अपने निकट कुटुंबी के सामने अंगीकार कर रही है. See what this confession will bring. आप देखें ये अंगीकार क्या लेके आएगा. In that confession, it's only her and Boaz. There's no third person there. अब इस अंगीकार में केवल रूथ है और बोआज है, कोई तीसरा इंसान नहीं है. And there's no job of any third person. और किसी तीसरे इंसान का कोई काम भी नहीं है. And she confesses to him. और उसके सामने वो अंगीकार करती है. I am Ruth. मैं रूथ हूं. The handmaiden. आपकी दासी. You are our kinsman. आप हमारे निकट कुटुंबी हैं. Spread thy skirt upon me. अपनी चादर मुझको उड़ा दे. Because you are a near kinsman. क्योंकि आप हमारे निकट कुटुंबी हैं. She confessed a scripture. उसने एक वचन की आयत को अंगीकार करके बोला. She confessed an appropriate scripture. उसने उपयुक्त आयत को बोला. She confessed an appropriate relation. उसने उपयुक्त संबंध को बोला. And this is what is going to happen in this time. और ये होगा इस समय. Who is this? ये कौन है? Christ. मसीह. ये तो आप सब जानते हैं. Amen. What is he to you? अब ये आपके क्या है? She is not confessing him to be just a man. हाँ, वो उसके सामने केवल ये अंगीकार नहीं कर रही कि एक आदमी है. Or the Lord of the harvest. या मालिक है खेत का. She is confessing a relationship. वो एक संबंध को अंगीकार कर रही है. When we are coming praying. When we are coming praying, जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं. When we come to our Lord, जब अपने प्रभु के पास आते हैं. Our address should be a relationship. Amen. हमारा संबोधन एक रिश्ते को लेके आना जरूरी है. My Lord, हे मेरे प्रभु. My Lord means my husband. मेरे प्रभु का मतलब मेरे पति. Who owns me? जो मेरे मालिक हैं. She had a claim on this man as a kinsman. उसका दावा था इस आदमी को पर एक निकट कुटुंबी के रूप में. As a kinsman, एक निकट कुटुंबी के रूप में. He can redeem Naomi, वो नाओमी को छुड़ा सकता है. As a kinsman, निकट कुटुंबी के रूप में. He can marry her, वो उससे शादी कर सकता है. And he can raise the seed of the dead, और मृतक के वंश को वो बढ़ा सकता है. Can we say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? Yes, brother, listen to this now. हाँ मेरे भाई, ध्यान से इसको सुनिए. You are a kinsman. आप हमारे निकट कुटुंबी है. Immediately, तुरंत. The high priest, महायाजक. Oh God, I get so filled up. मैं इतना भर जाता हूँ. I don't know how to contain these things. मैं नहीं जानता कैसे इन चीजों को संजो करके रखूँ. Immediately he said, तुरंत उसने कहा, All that you have asked, जो कुछ तूने मांगा है. All that you have confessed, जो कुछ तूने अंगीकार किया है. I will do, मैं करूँगा. The problem is we don't confess. समस्या यह है कि हम अंगीकार नहीं करते. The problem is we don't say it to him. समस्या यह है कि हम उसके सामने बोलते नहीं. Why should we say it? हम क्यों बताएं उसे? हम क्यों डरते हैं उससे? हम क्यों छिपाते हैं उससे? God bless you, my brother. हम क्यों उसे नहीं कहते जो वो और हम हैं? Amen, amen. There is power. एक सामर्थ है. In a genuine confession. एक वास्तविक अंगीकार में. Here Ruth is not confessing her sin. यहाँ पर रूथ अपने गुनाहों का अंगीकार नहीं कर रही. She is confessing a relationship to him, what he will do for her. यहाँ पर रूथ जो है एक रिश्ते को लेकर के उसके सामने अंगीकार कर रही है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं. Many a times people only hear a message. कई दफा लोग केवल एक संदेश को सुनते हैं. But no, brother.
लेकिन नहीं मेरे भाई, that message has to become your confession. लेकिन जरूरी है कि वो संदेश आपका अंगीकार बन जाए. And we have a high priest. और हमारे पास एक महायाजक है. Who can be touched? जो कि छुआ जा सकता है. By our feelings of our infirmities. हमारी निर्बलताओं की भावनाओं के द्वारा. Whatever. चाहे कुछ भी हो. It's not my job to find what it is. मेरा ये कोई सरोकार नहीं. मैं Whatever. चाहे कुछ भी हो. He can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं. Anything means anything. कुछ भी का मतलब कुछ भी. Yes. जी हाँ. Read perfect faith. सिद्ध विश्वास पढ़े. And when the prayer line comes. और जब प्रार्थना पंक्ति आती है. You're praying for your baby with an eye problem. तुम अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करो जिसको आँख की परेशानी है. He's healed. वो चंगी हो गई. चंगा हो गया. वो चंगा हो गया. Read the message. संदेश पढ़े. Do you believe Jim? जिम क्या तुम विश्वास करते हो? That baby you left with 105 degree fever. उस बच्चे को जिसको तुमने छोड़ा 105 बुखार के साथ. Don't worry, Jim. Jim, चिंता मत करो. When you go home, he's healed. जब तुम घर जाओगे वो चंगा हो चुका होगा. You see, it's another world. आप देखिए एक और देख दूसरा संसार. This is another kingdom. ये दूसरा राज्य है. This is another statement. ये एक अलग वाक्य है. This is a land of paradox. ये ऐसी भूमि है जिसमें अजूबे होते हैं. The field of Boaz is a field of paradox. Amen. बोआज का खेत अजूबों का खेत है. Where impossibles become possible. जहां संभव संभव बन जाते हैं. You are in a hall of possibility. आप एक ऐसे हॉल में आए जहां पे संभवताएं हैं. And I want to tell you, brother, sister. मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं. Never give up on your confession. कभी भी अपने अंगीकार को लेके हार ना माने. Never give up. कभी हार ना माने. Never get depressed. और कभी हतोत्साहित ना हो. Devil will try his level best to depress you. शैतान भरसक प्रयत्न करेगा आपको निराश करने का. But you are a child of God. लेकिन आप खुदावंद के बच्चे हैं. You are a son and a daughter. आप एक बेटे और बेटी हैं. You are under redemption. आप छुटकारे के नीचे हैं. If you did something wrong, अगर आपने कुछ गलत किया, confess it to him. उनके सामने अंगीकार करें. The appropriate authority. जो उपयुक्त अधिकारी है. I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप. This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर छिपाओगे तो मरोगे. हाँ जी. जैसे ही खोलोगे अधिकृत अधिकारी के सामने जिसका नाम खुदा है. Amen. उसी मिनट बेटा बेटी ग्रेस चालू हो जाएगी. Amen. Amen. Hallelujah. You know, unconfessed sin is so bad, it affects the mind. आप जानते हैं ऐसा गुनाह जिसका अंगीकार ना किया जाए. छिपाया गया गुनाह. छिपाया गया गुनाह इतना बुरा है कि वो दिमाग को पीड़ित कर देता है. To such an extent, इस हद तक, that a person even becomes mad. कि इंसान यहां तक कि पागल हो जाता है. लेकिन खोल नहीं पाता अपनी बात. आपकी समझ आ रही है? लोग ये सोचते हैं पागल होके मरा. लेकिन पागल हुआ क्यों? पागल हुई क्यों? सच है. कारण कहीं और था. ये तो ग्रेस थी जो एक नबी के पास पहुंचे. Amen. और वो औरत ठीक हो गई. जबकि बहुत एक अजीब चीज थी. But it happened, you see? लेकिन आप देखिए ऐसा हुआ. We need to understand these things. हमें ये बातें समझना जरूरी है. Everything is in the message. हर एक चीज आपको संदेश में मिलेगी. इसी कारण घरों में कभी कभी बच्चे नहीं होते. समझ मारिए आपके गर्भ का फल रुक जाता है. What's the reason? कारण क्या है? Some sin. कोई गुनाह है. Which has to be confessed. जिसको जरूरी है कि उसका अंगीकार किया जाए. And the minute it's confessed, और जिस मिनट अंगीकार किया जाता है, grace comes, अनुग्रह आ जाता है, the womb opens, कोख खुल जाती है, and it starts producing, और वो पैदा करने लगती है. The word of God said, खुदा के कलाम ने कहा, I will bless the womb. पढ़िए व्यवस्था विवरण पढ़िए वाले का. मैं इस कोख को आशीष दूंगा. I'll bless this, I'll bless that. मैं ये बरकत दूंगा, वो बरकत दूंगा. लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे गुनाह हैं जहां पे लिखा है मारे ना जाएं. जैसे अंकल के क्या लिखा है वो? अब मैं वो रिश्ते बोलना नहीं चाहता. वो लिखे हुए बाइबल में. मैंने पढ़ के सुनाया था एक संडे को. Yes, yes, sir. ऐसा परिवार बगैर बच्चे के मरेगा. ये कर्ज था ऐसे गुनाह के साथ जहां कहीं चाचा मामा ताऊ का कुछ रिश्ता बना. कुछ थे लिखा है. मैं पढ़िएगा लिखा है वो. व्यवस्था विवरण में या व्यवस्था में पढ़ के सुना रहा था अभी संडे को. कोई याद है आपको सारे वो गुनाह लिस्ट? यस. वहां लिखा है वो बगैर बच्चे के मरेंगे. लिखा है. ठीक है भैया व्यवस्था में लिखा है तो अब तो रोक. अब तो माथा पीट लो. हमारे यहां हुआ हम तो मरेंगे. नहीं ब्रदर, यही तो गुड न्यूज है. अगर आप इसे कन्फेस कर लें खुदा के सामने, प्रभु माफ करें, और पास्टर के पास आके कहें पहिया माले दुआ करें, और पास्टर आपके लिए दुआ करेगा. कैथलिक पास्टर नहीं, एक मैसेज का पास्टर. वो आपसे यह नहीं पूछेगा क्या. लेकिन आपने खुदा के सामने, हमने अपना गुनाह कन्फेस किया, आप हमारे लिए दुआ करें. आप देखिए
मैं चैलेंज करके कहता हूं, आमीन। बाइबल में लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, आमीन। खुदावन किसी का पक्षपाती नहीं ब्रदर। जब 12 साल के बाद भाई की एक बेटी हुई, क्या हुई नहीं हुई, आमीन। क्या उसकी गवाही और अड्डू हमने खाए नहीं खाए, खुदावन कुछ भी कर सकते हैं, आमीन। पर मैं कहूंगा उस भाई से, उस बहन से, बैठो सोचो, अपने जिंदगी में जाओ पीछे, कहीं कोई गलत काम तो नहीं है, और अगर था शायद याद नहीं रहा, शायद बात नहीं रही, लेकिन याद आया। कन्फेस, अंगीकार करो। कन्फेस का मतलब जीत। हां जी, अब आपकी जीत चालू हो गई, आपके बढ़िया दिन फिर शुरू हो गए, आमीन। आप पे ग्रेस चालू हो गई। कुछ बात समझ में आ गई? किसके सामने कन्फेस? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, खुदा के सामने। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है तो पति पत्नी के बीच में, आप समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, नबी के कोट्स हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आप समझेंगे। ग्रेस ऑफ गॉड स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, खुदावन का अनुग्रह नीचे आने लगता है। मेनी टाइम्स यू फाइंड, कई दफा आप पाएंगे, घरों में होता है, घरों में होता है, जवानों में होता है, गुम चोट खा के बैठ जाते हैं, बोलते नहीं, और अंदर ही अंदर एक पस का फोड़ा बढ़ रहा है। बेटा जवान, भाई बहन जो भी हो, आप मीटिंग आते रहोगे और जाते रहोगे, बेटा फायदा कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं उन मीटिंग्स का। तुम एक चिकने खड़े हो या भाई या बहन जो भी लगा लीजिए, मैसेज का पानी गिरेगा टिकेगा नहीं। There's no benefit from the meetings. सभाओं से कोई लाभ नहीं। अगर सभा से लाभ चाहिए, हाँ जी, बेटा गुलछर्रों से निकल आ जाओ, हाँ जी, और खुदा के सामने सीधे होके एक सही अंगीकार करो, आमीन। अब दोनों भाई बहन सबसे बोल रहा हूं, द मिनट यू कम टू अ जेन्युइन कन्फेशन, जिस मिनट आप एक वास्तविक अंगीकार पे आते हैं, यू नो व्हाट डिड ब्रैनम डिड अ मिस्टेक, आपको मालूम है एक दिन भाई ब्रैनम ने गलती करी, He lied. उन्होंने झूठ बोला। किससे झूठ बोला? वकील से। तो पहले तो खुदा से माफी मांगी और फिर उस वकील को भी कॉल किया, क्योंकि झूठ उससे बोला था। And said, I'm sorry. मैं माफी। देखो ये काम है होली गोस्ट का, आमीन। होली गोस्ट शांत नहीं बैठने देता अगर कुछ गलत हुआ। This is the evidence of the Holy Ghost. वो चुप नहीं बैठने देता, वो मतलब आपको नींद नहीं आएगी। I'm sorry. मुझे माफ करना। I spoke a lie to you. मैं वहीं था। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं तंग आ चुका हूँ एक्चुअली इन इनकम टैक्स के फोन से बार बार वकील के फोन, तो मैं इसलिए मैंने अपनी बीवी से कह दिया था तुम कह दो, लेकिन ये झूठ है, मैं वहीं था। I'm sorry. I lied. मुझे माफ करना, मैं झूठ बोला। अब इसमें क्या भाई बहन हम नीचे हो गए? अगली चीज क्या हुई? That वकील said, उस वकील ने कहा, If I didn't have that much confidence in you from today, I will. अगर मेरा पास इतना भरोसा नहीं था आपको लेकर के, लेकिन आज से मेरा भरोसा आप पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। You're a man who stands for truth. आप ऐसे शख्स हैं जो कि सत्य पे खड़े होते हैं। बोला भाई ब्रनम ने। Amen. And then he went to the woods. और तब वो जंगल में गए। And he cried, Lord, show me a sign. और तब उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक चिन्ह दिखाएं। You see, one unconfessed sin एक नबी के लिए इतना बुरा बन गया, भारी पड़ गया कि कंडेमनेशन। अब बच्चा आया दुआ करने के लिए, मन नहीं कर रहा दुआ का, कर नहीं पाऊंगा, वो मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी, सब कुछ पैरालाइज हो गया, सब कुछ को फालिज लग गया। ये होता है जब कोई अनकन्फेस्ड सिन रह जाए। अब कहते हैं मैं गया जंगल में, लॉर्ड गिव मी अ साइन, प्रभु मुझे एक चिन्ह दे, सॉरी आई डिड दिस, माफ करना मैंने ये किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एज इट वॉज कमिंग टुवर्ड्स इवनिंग, जैसे संध्या आ रही थी, एकदम नहीं आते प्रभु, थोड़े समय के बाद ही सेड अ विंड ब्लू, नबी ने कहा एक हवा का लकुरा चला, फैमिली ऑफ वर्ल्डविंड, एक बहुत ही एक जानी पहचानी हवा की लहर, एंड इट पास्ड बाय, पास से गुजरी, एंड गिव मी अ साइन, उसने मुझे चिन्ह दिया। ही सेड आई न्यू दैट विंड, उन्होंने कहा मैं इस हवा को जानता हूं, दैट यस आई हैव फॉरगिवन यू, हां मैंने तुझे माफ कर दिया है। ही कम्स टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में आते हैं, देयर इज नो कंडेमनेशन, कोई अंदर दोषारोपण नहीं है, ब्रिंग द चाइल्ड, बच्चे को लाओ, ब्रिंग द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगले सदस्य को लाओ। The ministry started working again. सेवकाई आगे बढ़ गई काम में। You see? आपने देखा? Are you understanding something? क्या कुछ समझ रहे हैं आप?
When Ruth, sit down, please. God, let me bless you. खुदा आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत दे. Sorry, I'm drinking some water. But you find. लेकिन आप पाएंगे. The minute Ruth said. जिस मिनट रूथ ने कहा. You are a kinsman. आप हमारे निकट कुटुंबी हैं. आप ये कर सकते हैं. Amen. आप ये कर सकते हैं. Yes. कोई इंसान इस कैंसर को दूर नहीं कर सकता. कोई इंसान इस ड्रेन को बंद नहीं कर सकता. कोई इंसान इस आंख को ठीक नहीं कर सकता. कोई इंसान इस तकलीफ को ठीक नहीं कर सकता. लेकिन मैं जानता हूं, जानती हूं, Amen. आप कर सकते हैं. Amen. And it came from the heart. और ये बात दिल से निकली. Immediately. तुरंत. Boaz replied. Boaz ने जवाब दिया. Whatever you have said. जो कुछ तूने कहा है. I will do. मैं इसे करूंगा. For we all know. हम सब जानते हैं. You are a virtuous woman. तू एक गुणवती स्त्री है. अब यहां आती अगली बात. हम तो वर्चुअस थे ही नहीं. पुरानी पैदाइश से हम सब व्यभिचारी थे. जिसको नबी ने पहली शादी बोला इनविजिबल यूनियन के मैसेज में. Amen, amen. पढ़िए मैसेज को. Yes, he said, but when you accepted Christ, लेकिन उन्होंने कहा जब आपने मसीह को ग्रहण किया. he said, you are not just pardoned, तो आप आपको केवल माफी नहीं मिली. you are justified, आप धर्मी ठहर चुके. You never did it in the first place. पहले जगह पे आपने इसको किया ही नहीं. You are deceived by Satan. शैतान के द्वारा आप धोखे में लाए गए. Hallelujah. Hallelujah. Oh, try to understand this, my brother, my sister. मेरे भाई मेरी बहन इसको समझने की कोशिश करें. You are the pure, virtuous bride of Christ. आप मसीह की शुद्ध, शुद्ध और एक गुणवती दुल्हन हैं. Are you? क्या आप हैं? Are we? क्या हम हैं? Remember that power, brother. याद रखिए उस शक्ति को मेरे भाई. वी कैन फॉल, वी कैन मेक मिस्टेक्स. हम गिर सकते हैं, हम त्रुटियां गलतियां कर सकते हैं. बट वी हैव दैट ब्लड. लेकिन हमारे पास वो लहू है. एंड अंडर दैट ब्लड वी आर परफेक्ट. और उस लहू के नीचे हम सिद्ध हैं. Thou art a virtuous woman. तू एक गुणवती स्त्री है. Thou art a virtuous brother. Thou art a virtuous sister. आप गुण से भरे भाई हैं, गुण से भरी बहन हैं. You see? देखो. Amazing grace. खुदा का अद्भुत अनुग्रह. Which we can't understand. जिसे हम नहीं समझ सकते. What happened next? अगली चीज क्या हुई? He said, now you rest. उसने कहा आप विश्राम करो. Now I will work on your confession. अब उसने रूथ से कहा तू तो अब आराम कर, अब तेरे अंगीकार पे मैं काम करूंगा. My goodness, I am moving here because now that confession put an office to work. आप देखिए मैं यहां पर खड़ा हिल रहा हूं. उस अंगीकार ने उस अधिकार को, उस अधिकारी को काम पे लगा दिया. Naomi said, Naomi ने कहा, now you rest. अब तू विश्राम कर. He will not rest. लेकिन वो विश्राम नहीं करेगा. Until he has finished the work. जब तक कि उसने काम, जब तक वो उस काम को पूरा ना कर दे. Your work was confessing. तेरा काम इतना था कि तू अंगीकार करे. You made a decision. तूने फैसला लिया. And you confessed a right confession. और एक उचित confession तूने दिया. Now your confession. अब तेरा confession. Will bring a redemption. एक छुटकारे को लाएगा. Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं? And just see how redemption works. और आप देखें कैसे छुटकारा काम करता है. And how things work in your life. और कैसे चीज आपके जीवन में काम करती है. तुम्हारे confession ने मानो एक बहुत विशाल का, एक बड़ी मशीन का बटन दबा दिया. उसके बाद वो बड़े बड़े चक्के घूमने शुरू हो गए. खट 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 खट. ये क्या हुआ? बोलते अब तुम्हारा काम है चुपचाप बैठ के देखो और देखो ये मशीन क्या इन प्रोडक्ट निकालती है. Amen. और मैं आपको इन प्रोडक्ट भी पहले बताऊं, 5 बजे के बाद. हाँ जी. वहां से एक मैग्नेट गुजर रहा था. लोरे. एक चुंबक गुजर रही थी. Amen. And when that magnet was moving. और जब मैग्नेट घूम चुंबक चल रही थी. All that was iron. वो सब कुछ जो कि लोहा था. Just went up. ऊपर चला गया, ऊपर चला गया. After the day was over. दिन की समाप्ति के बाद. After the church ages were over. कलीसिया काल की समाप्ति के बाद. In the evening time. शाम के समय. Came the foreman. Foreman आया. With a 7-lettered key. एक सात अक्षर वाली कुंजी के साथ. And gave you a message. और आपको एक संदेश दिया. And when you made a confession on that book. और जब आपने उस किताब को लेकर अंगीकार किया. So the next thing is confessing the thunders. तो अगली चीज ये है
गर्जनों का अंगीकार करना, कन्फेसिंग द मिस्ट्रीज, भेदों का अंगीकार करना, कन्फेसिंग हु ही इज, इस बात का अंगीकार करना कि वो कौन है। दो यू डोंट नो द न्यू नेम, यद्यपि आपको नया नाम नहीं मालूम, बट द न्यू नेम इज इन द मिस्ट्रीज, लेकिन नया नाम जो है भेदों में है। सो व्हेन यू आर कन्फेसिंग दोस मिस्ट्रीज, जब आप भेदों का अंगीकार कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली कन्फेसिंग अ न्यू नेम, तो वास्तविकता में नए नाम का अंगीकार कर रहे हैं, एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग, और वो कार्यान्वित हो जाता है, ऑन योर कन्फेशन, आपके अंगीकार पे, टू चेंज योर बॉडी, ताकि आपकी देह को बदल दे, चेंज योर एटम्स, आपके परमाणु बदल दे। Are you understanding it, church? कलीसिया क्या समझ रहे हैं इस बात को? Oh, what a message! Oh, क्या संदेश है ये? All that you have said, जो कुछ तूने कहा है, तेरे अंदर वो बल नहीं है। Oh my! You are perfectly weak. Oh, तू सित्ता पूर्ण कमजोर है। But when you are weak, I am strong. लेकिन जब तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ। I will work for you. मैं तेरे लिए काम करूँगा। तुझे कचहरी नहीं जाना, तू आराम से रेस्ट कर। मैं कल जाऊंगा, मुझे मालूम है क्या करना है। तुम्हारी पुरानी पैदाइश से एक और भी है जो मुझसे ज्यादा निकट है, जिसका नाम है शैतान। कल मेरा काम एक रह गया कि मैं उससे एक ही बात बोलूंगा, अगर आप छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लीजिए। और मुझे मालूम है कल क्या होने जा रहा है, पहले से मालूम है। नेक्स्ट डे ही गोज टू द गेट, अगले दिन वो जाता है गेट पे, कॉल ऑल द एल्डर्स, तमाम फाटक पे तमाम प्रधानों को बुलाता है। ओ सच अ वन, ओ फलाने फलाने, प्लीज प्लीज कम सिट डाउन, यहां पर आ जा। क्या हो गया? नाओमी हैज रिटर्न बैक, नाओमी लौट के आ गई है, एंड शी हैड सोल्ड अ पार्सल, और उस एलीमेलेक हैड सोल्ड अ पार्सल ऑफ ग्राउंड, एक जमीन का टुकड़ा एलीमेलेक ने बेच दिया था, एंड द राइट ऑफ रिडेम्पशन इज थाइन, और छुटकारे का जो अधिकार है वो तेरा है। टेलिंग द डेविल, वो शैतान से बता रहे हैं। मैं हर जिंदगी की बता रहा हूं इस वक्त, शैतान से बात चल रही है आपके निकट कुटुंबी की। ओ इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। आई इफ यू वांट यू कैन रिडीम इट, अगर तुम चाहो तो तुम छुड़ा सकते हो। जमीन की बात जमीन मैं तो छुड़ाऊंगा, मैं तो हमेशा से जमीन में इंटरेस्टेड रहा। उन्होंने कहा जमीन के अलावा एक दूसरा पार्ट था किताब का, जिंदगी। Okay, the day you redeem that parcel of ground, जिस दिन उस भूमि के टुकड़े को तुम छुड़ाओगे, you also have to marry Ruth, तुम्हें रूथ से शादी भी करनी होगी, to raise the seed of the dead, ताकि मृतक के वंश को बढ़ाओ। That thing I can't do, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। I'll mar my own inheritance, मैं अपनी ही मिरास को मैं खो दूंगा। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, to pay the price of redemption, you needed a sinless one to take our sins and die. छुटकारे को कार्य को करने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसने कोई गुनाह ना किया हो, ताकि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले सके। And Satan cannot. और शैतान कर नहीं सकता। He himself is a sinner. वो तो स्वयं गुनेगार है। How can a sinner die for a sinner? कैसे गुनेगार एक गुनेगार के लिए मर सकता है? He can't. He will mar his own inheritance. वो अपनी ही मिराज को खो देगा। Will devil kill devil? क्या शैतान शैतान को मारेगा? Never. कभी नहीं। He can't be that. वो ऐसा कर नहीं सकता। He had to give way. उसको वहां से रास्ता छोड़ना पड़ा। So they had an old method. उनका पुराना तरीका था। जूता निकालो अपना। Pluck off your shoes. अपने जूते निकाल दे। और निकाल के सबको दिखाया। नबी ने एक लाइन और बोली, उसके मुंह पे जूता मारा, शैतान के मुंह पे दी लात। यहां से यह गाना बना जो भाई लाल ने बनाया। Amen. शैतान के दी लात, वो यहां से आई है बात, इस यहां से वो लाइन बनी, उसका जूता निकलवा दिया है। भाई भाई यहां बैठे जूते की फैक्ट्री वाले भाई पीछे, गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं भाई, क्या नाम है, रमन नहीं, राजन, ये नाम मेरे को क्या बताऊं, मैं कहने नहीं हाऊ, जबकि मालूम है राजन भाई, लेकिन एकदम मुंह पे भाई राजन नाम नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, कामों को जानते हैं, लेकिन आज आपको बता रहा हूं राजन भाई, आप भी नहीं सब लोग, शैतान का जूता उतरवा दिया। हालेलुया। जूता उतरवाने का मतलब तेरे सारे हक अब मैंने ले लिए। आमीन। जैसे ही उस और निकट कुटुंबी के जूते उतारे गए, रूथ को तो मालूम नहीं भी, और चैन की सांस ले सकती है। आमीन। मेरे अब ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। विश्वासी कह सकता है, मुझ पे
कोई दंड की आज्ञा नहीं। Amen, amen. मेरे प्रभु ने मेरा दाम चुका दिया। Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Amen. मेरा बचाने वाला जीवित है। Amen. क्यों कर घबराऊं मैं, क्यों कर डर जाऊं मैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. The minute the shoes was plucked off, जिस मिनट जूते निकाल दिए गए, he lost his right. उसने अपने अधिकार को खो दिया। And then the prophet said, और तब नबी ने कहा, then Boaz said, तब बोआज ने कहा, this day, आज के दिन, I purchase that land of Elimelech. मैं Elimelech की भूमि को मैं खरीदता हूँ। And also, I love that line. और मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। I purchase Ruth. मैं रूथ को भी खरीदता हूँ। You see, he purchased us. आप देखिए, उसने हमें खरीदा। He paid a price. उसने एक दाम को अदा किया। His own precious blood. अपना ही बहुमूल्य खून। Oh, what a story it is. ओ क्या प्यारी कहानी है ये। And finally, और आखिरकार, everybody said, हर एक ने कहा, wonderful. अद्भुत। May your house be like the house of Phares. फेरेस जैसा तेरा घराना हो। Like the house of Judah, like the house of these people. यहूदा जैसे और इस तमाम लोगों की तरह तुम तेरा घराना हो। Everybody started telling the girl. अरे कोई लड़की से कहने लगा, May you be a fruitful woman. तू एक फलवंत स्त्री बने। May you be the mother of many. बहुत तेरों की माँ बने। May you bring a big seed. तू एक बड़ी बंच को लेके आए। And now we also started saying all these things. और नाउ भी ये बात बोलने लगी। Finally the marriage took place. आखिरकार शादी हो गई। She came in relation. वो एक संबंध में आई। From confession, now she came to a relation. अंगीकार से वो संबंध में आ गई। Under redemption, छुटकारे के नीचे। I repeat it, under redemption. मैं दोहराता हूँ, छुटकारे के नीचे। Under the paid price, उस अदा किए हुए दाम के नीचे। What next? अगली चीज क्या? Obed. Obed. What next? अगली बात क्या? Jesse. Jesse. What next? अगला क्या? David. दाऊद। Millennium. हजार सालाना बादशाह। Kingdom. राज्य। Rulership. अधिकार। Solomon, that's the kingdom age. ये सुलेमान है जो किंगडम राज्य है। Yes, brother. That's how it came. राज वाला युग इस प्रकार से आया। Where did it all begin? लेकिन ये चालू कहाँ से हुआ? That night. वो रात। When they both were alone. जब ये दोनों अकेले थे। You and God alone. आप और खुदा अकेले। And you making your confession to Him. और आप अपने अंगीकारों को उसके सामने रखते हुए। Do you find nights when you can pray alone? क्या आप ऐसी रातों को पा सकते हैं जहां पे आप अकेले प्रार्थना करें? A secret place of yours. एक आपका गुप्त स्थान। He that dwelleth in the secret place. वो जो कि गुप्त स्थान में रहते हैं। And you are praying to the Father. और आप पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। You have come to Him. आप उसके पास आए हैं। For a specific work. एक खास काम के लिए। जैसे हमारे पास अभी एक काम है, खुदा रहम करे, प्रभु का रहम हो, एक भवन का बनना है, एक बिल्डिंग, उसके लिए क्या कन्फेशन करें? उसका एक खास कन्फेशन है। हर चीज का अपना कन्फेशन है। Amen. With a specific confession. एक खास अंगीकार। With a law in the Bible, scripture or a quote. जो बाइबल में एक व्यवस्था है या आयत है या कोई हवाला है। दिमाग नहीं लगाना, लेकिन नहा धो के यानी स्वच्छ होके, anointed, be anointed when you go. अभिषेक हो जब आप जाएं। ऐसी प्रार्थना, but anointed. कभी कभी अनॉइंटिंग बहुत जल्दी नहीं आती, इसलिए प्रार्थना को 5 मिनट में बंद भी मत करिए। कभी कभी आधे घंटे लग जाते हैं दुआ में, दिन भर की थकान निकालते निकालते, और वो सारा जो निकला उसके बाद तब धीरे धीरे लगता है अनॉइंटिंग आई। आप खुद महसूस करेंगे कि एक अनॉइंटिंग आ रही है, जब मन कर रहा है कि मैं सच में प्रार्थना करूँ। वरना आप जानते हैं थका हारा आपके पास आ, होता है ब्रदर, यू इट हैपेंस, होता है, बिल्कुल सही है। आई एम विद यू, मैं आपके साथ ही हूँ। Lord, I've been working the whole day, you know. प्रभु आप जानते हैं मैं पूरे दिन काम करता रहा हूँ। I am so tired. मैं इतना थका हुआ हूँ। And my head is also paining. मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। But I know you are wonderful. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप अद्भुत हैं। And then you start gradually. फिर धीमे-धीमे आप चालू होते हैं। You are talking with him. आप उससे बातचीत कर रहे हैं। Prayer is talking. प्रार्थना बातचीत है। And you keep on talking with him and talking with him. और आप उससे बातचीत करते रहते हैं, करते रहते हैं। Finally, a time comes. आखिरकार एक समय आता है। Start becoming louder. आप जोर से बोलना शुरू करते हैं। Now you are feeling anointed. अब आप अभिषेक महसूस कर रहे हैं। And then you start exclaiming things by revelation. और फिर मुकाशवे के तहत आप चीजों को बोलना शुरू करते हैं। फिर ऐसा लहमा आता है जब एक मुकाशवे में आप एक बात बोलते हैं। Oh my! Then the next thing. अगली चीज। You need to be perseverant.
आपको तत्पर होना जरूरी like that woman. जैसे वो स्त्री थी. Hang on to your confession. आपने अपने अंगीकार को थामे रहे. And then you say, Lord, please. फिर आप कहें प्रभु कृपया करके. You are wonderful. आप अद्भुत हैं. This is my confession for you. ये मेरा अंगीकार है आपके लिए. This is my wrong. ये मेरी गलती है. Please finish it. इसको खत्म कर दें. But this is my next confession. लेकिन ये मेरा अगला अंगीकार है. That you can do this. कि आप ये कर सकते हैं. No man can do this. कोई आदमी नहीं कर सकता. But I submit in your presence. लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करती हूँ. I am ready to die to myself. मैं अपने लिए खुद ही के लिए मरने को तैयार हूँ. Please help me, Lord. प्रभु मेरी मदद करें. Next thing. अगली चीज. A voice comes. एक आवाज आती है. It is done. ये हो चुका है. Don't worry. चिंता मत कर. Then you start confessing your faith. फिर आप अपने विश्वास को उसके सामने अंगीकार करने लगते हैं. Before others. दूसरों के सामने. You confess that Christ. Sorry. You confess that Christ. आपने उस मसीह का अंगीकार किया. आपने लिखा होगा, सुना होगा बाइबल में, आज लिखे, He that confesses me before men, him will I confess before my angels. वो जो कि मनुष्यों के बीच में मेरा अंगीकार करता है, दूतों के सामने मैं उसका अंगीकार करूंगा. अब यह अंगीकार केवल यहां नहीं रुक जाता कि मैं क्रिश्चियन हूं. यह अंगीकार थोड़ा आगे बढ़कर है कि मैं उस मसीह का अंगीकार कर रहा हूं जो मैं हूं. Amen. जो मैं बना. ओ, बात यह है बात ब्रदर. द वर्ड फॉर दिस एज. वचन जो आज के युग का है. एंड यू स्टार्ट कन्फेसिंग इट. और आप इसका अंगीकार करने लगते. लेट द वर्ल्ड मॉक, लेट द वर्ल्ड लाफ. चाहे संसार हंसे, मजाक उड़ाए. द कजिन्स वर ओनली लाफिंग. चचेरी बहनें केवल मजाक उड़ा रही थी. बट शी सेड जस्ट 5 मोर मिनट्स. लेकिन उस लड़की ने कहा 5 मिनट और हैं. 3 मोर मिनट्स. अब 3 मिनट और हैं. एंड देन द ओल्ड बग बोट केम. और फिर उसके बाद आप पाएंगे वो बग्गी आई. एंड यू फाइंड दैट द डस्ट वाज रोलिंग ऑन द फीट. और आप पाएंगे कैसे धूल आती, धूल कैसे उड़ रही थी पहियों के नीचे. And my man from the rose trellis, she ran into his arms. और तब नहीं बताया, उन बहनों के बीच से निकल के वो उसकी बाहों में चली गई. I said, it's all over now, honey. उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया प्रिय. I'm going to take you to your future home. मैं तुझे तेरे भविष्य के घर में ले जा रहा हूँ. In Chicago. शिकागो में. Oh, praise God in heaven, brother. खुदा का धन्यवाद उस स्वर्ग में. In a new city. एक नए शहर में. Which I have prepared by my word. जिसको मैंने अपने वचन के द्वारा तैयार किया है. Hallelujah. Hallelujah. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Have you understood something about confession tonight? क्या अंगीकार को लेके आप कुछ समझे हैं आज? To whom to confess? किसके सामने अंगीकार करना है? God. खुदा के सामने. And if it's husband and wife, अगर पति पत्नी है, with each other, एक दूसरे के सामने. I hope you're understanding this much. मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप. This is the thing which we I want to tell you. And then when you come to God, और तब आप जब खुदा के पास आते हैं, make a further confession. फिर आगे का अंगीकार करें. Confession के बारे में आज मैसेज था, अपने गुनाहों का अंगीकार करो. अरे नहीं ब्रदर, मेरा मैसेज कुछ और भी है. हाँ जी, गुनाहों का तो अंगीकार करो ही करो, उसे तो कभी छिपाना ही नहीं. Yes. तब आगे बढ़ के अब ये अंगीकार करो, मेरा आप पे ईमान क्या है. Amen, amen. आप मेरे लिए आज क्या हैं? आमीन. जो मेरे लिए आज आप करने जा रहे हैं. आमीन. आपने गवाही पढ़ ली, वहां पे उसने बच्चे की आंख ठीक कर दी. एक और बच्चा था, उसको कैंसर था आंख में, ऑपरेशन था, वो ठीक हुआ. एक था जिसके आई का ऑपरेशन हुआ ठीक, ऑपरेशन नहीं हुआ. ये 3 आंखों के केस परफेक्ट फेथ के मैसेज में, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आजकल, आप पाएंगे. आप सुनिए, आपको पढ़ा, आपको लगा ये मेरा केस है. अब दुआ में बोलो, आए वो खुदा जो जफरसनविल के उस तारीख परफेक्ट फेथ के मैसेज में बोल रहे थे, और उस बच्चे को आपने प्रनाउंस किया कि ठीक हो और ये मेरा बच्चा है, और मैं भी उसका विश्वासी या विश्वासिन हूं. देन वॉच, देखिएगा आप. Brothers, sister, these are not stories. मेरे भाई मेरी बहन, ये कहानी नहीं है, किससे नहीं है. That demon has to leave on that confession. जरूरी है उस अंगीकार के बाद वो दुष्टात्मा वहां से छोड़ के जाएगी. शैतान मैसेज सुनने के बाद नहीं निकलता, लेकिन जब मुंह से आप अंगीकार करें. Amen. Then that demon leaves. तब वो दुष्टात्मा छोड़ के जाता है. Confess your faith, brother. अपने विश्वास का अंगीकार करें. Confess your faith, sister. मेरी बहन, अपने विश्वास का अंगीकार करें. Confess your sins. और अपने गुनाह को अंगीकार भी करें. And confess who he is. और इस बात का अंगीकार करें कि वो है कौन. That confession. ये confession. Will bring redemption. वो लेके आएगा छुटकारा. And take you to heaven. और आपको स्वर्ग लेके जाएगा. Change your life story.
आपकी जीवन कथा बदल देगा. एवरी बैड स्टार विल बी गॉन. हर एक बुरा सितारा चला जाएगा. एंड गुड डेज विल बिगिन विद क्राइस्ट. और मसीह के साथ अच्छे दिन चालू हो जाएंगे. यू मे सफर पर्सिक्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड. हो सकता है संसार के साथ आप एक सताव को सहे. बट यू विल हैव अ जॉय. लेकिन आपके हृदय में आनंद होगा. आई एम अ स्ट्रेंजर. मैं एक परदेशी हूँ. आई एम अ पिलग्रिम. मैं एक मुसाफिर हूँ. आई एम जस्ट अ पासिंग थ्रू. मैं केवल यहाँ से होकर गुजर रहा हूँ. One of these days, इन्हीं दिनों में, I'm leaving this place. मैं जगह को छोड़ के जा रहा हूँ. I'm going to heaven. मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ. I'm going to my future home. मैं अपने भविष्य के घर में जा रहा हूँ. Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. And may God use this message to do something in our lives. और काश खुदा ने संदेश का इस्तेमाल करे हमारे जीवन में कुछ करने के लिए. Amen. God Amen. Really bless you. Yes. And then confess your faults to the Lord. और प्रभु के सामने अपनी गलतियों को माने. And then come praying. और फिर आए प्रार्थना करते हुए. He'll take everything from your life. आपके जीवन से हर एक चीज को हटा देंगे. And make you as pure and white as snow. और आपको शुद्ध और साफ कर देंगे इस हिम के नाइश. I'm just going to read one quote and close. एक हवाले को पढ़ के मैं बस बंद करूंगा. In fact, I spoke everything from the Kinsman Redeemer. सही बात तो यह कि मैंने निकट कुटुंबी वाले संदेश से सब कुछ. At the end of that message, he looks at the church and says. संदेश के समापन पे वो कलीसिया की ओर मुखातिब होके कहते हैं. Now sons and daughters. अब बेटे और बेटियों. Who has the most power before God? खुदा के सामने सबसे ज्यादा सामर्थ किसके पास है? What is an angel? एक दूत क्या है? An angel is a servant. एक दूत एक दास है. That right? ये बात सही है. They are his servants. वो उसके दास हैं. What are you? आप क्या है? His son and daughter. उसके बेटे और बेटी. Who has the most power in heaven? स्वर्ग में सबसे ज्यादा सामर्थ किसके पास है? Then, तब, a sinner that's been saved by grace. एक गुनेगार जो कि अनुग्रह के द्वारा बचाया गया. Or an archangel that's standing by his right side. या एक प्रधान दूत जो कि उसके दाहिनी ओर खड़ा है. The sinner. जो गुनेगार है. That's been saved by grace. जो कि अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है. Has more authority. उसके पास ज्यादा अधिकार है. In heaven. स्वर्ग में. Than the archangel. प्रधान दूत से भी ज्यादा. That stood by his side. जो कि उसकी एक तरफ खड़ा है. Without sin. बगैर गुनाह के जो प्रधान दूत खड़ा है. बड़ी अजीब लाइन है ये. हाँ जी. वो महाबली दूत जो गुनाह को जानता भी नहीं. इतना सर्वशक्तिमान नहीं है जितना वो गुनेगार बेटा वो बेटी जो खुदा के द्वारा छुड़ाया गया. Amen. He has and she has more power in heaven. उस भाई या उस बहन के पास ज़्यादा सामर्थ्य है स्वर्ग में. Oh brother, understand this. मेरे भाई इस बात को समझे. The sinner that's been saved by grace. वो गुनेगार जो कि अनुग्रह के द्वारा बचाया. Has more authority. उसके पास अधिक अधिकार है. In heaven. स्वर्ग में. Than the archangel. प्रधान दूत से भी ज़्यादा. That stood by his side. जो कि उसके पास खड़ा था. Without sin. जो कि बगैर गुनेगार था. Because he's a son. क्योंकि वो पुत्र है. मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके लिए भी अपने लिए भी हम सब के लिए. चाहे ब्रदर कितने बड़े गुनेगार क्यों ना रहे हों. हैं बेटे. चाहे कितनी बड़ी गुनेगार क्यों ना रही हों. हैं बेटी. अब वो हमें उन्हीं आंखों से देखते हैं. वो उन्हीं आंखों से देखते हैं ब्रदर. उनकी आंखें कभी बदली नहीं. God is not a man. खुदा मनुष्य नहीं है. Who can change his mind? जो कि अपने विचारों को बदल सके. What he has said. जो कुछ उन्होंने बोल दिया, बोल दिया. There might be 10 times Jacob fell. हो सकता है 10 दफा याकूब गिरा हो. But there was a night. लेकिन एक रात थी. When he held on his confession. जब उसने अपने अंगीकार को थाम के रखा. In a man. एक आदमी में. And by the time it was morning, और जब तक की सुबह हुई, it was Peniel. Peniel हो चुका था. What is your name? मेरा नाम क्या है? My name is Jacob. मेरा नाम याकूब है. From this day, इन आज के दिन से, you are no more Jacob. तू याकूब नहीं है. You are Israel. तू इज़राइल है. You are my son. तू मेरा बेटा है. You are my daughter. तू मेरी बेटी है. Would you like to hear that voice in your ears? क्या इन शब्दों को अपने कानों से आप सुनना चाहेंगे? Not just a message. केवल एक संदेश नहीं. But a very personal experience with Christ. लेकिन मसीह के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव. And let me tell you that son and daughter has more power. और मैं बताना चाहता हूँ उस बेटे और उस बेटी के पास ज्यादा अधिक सामर्थ्य है स्वर्ग में. कुछ लाइनें इस मैसेज की बहुत अजीब हैं. बहुत ही अजीब हैं.
अब्राहम और सारा के केस में अब्राहम ने झूठ बोला, बोला नहीं बोला, बिल्कुल बोला, अरे सब बोलो भाई, बोला भाई, और सारा अली अबीमेलेक के पास चली गई, कुछ भी हो सकता था, क्या अबीमेलेक का कोई गुनाह था? रास्तबाज, भाई ब्रन बोला, रास्तबाज आदमी जिसने एक गुनाह नहीं किया, सच है, ध्यान से सुनिए, ये झूठ बोल रहा है, सारा झूठ बोल रही है, सारा उसके घर पहुंच गई इस झूठ के चक्कर में, डर रहे थे कि वो हमें मार देगा, अब वहां मालूम पूरी कहानी, ये डर था जिसमें वो झूठ बोल रहे थे। अब अबीमेलेक के घर में औरतों की कोखें बंद कर दी, मैंने एक ड्रामा खेला, रात को आराम से लेटे पजामा वहां पहन के, कल ये मेरी एक बीवी बनेगी, खुदा आयद ख्वाब में, क्योंकि तू रास्तबाज है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, ये एक नबी की बेटी है, की पत्नी है, उसे लौटा दे। एकदम झटके से उठे और तब नबी ने अगली लाइन पढ़ी, आई थिंक डिमोनोलॉजी में लिखा है, नबी ने कहा अब्राहम झूठा, सारा झूठी, गिरे हुए, ओ माय, और यहां व्यभिचार हो जाता, सुनिए, और ये रास्तबाज अभी मलेक बैठा है, एक रास्तबाज से कह रहा है मेरा झूठ बोलने वाला नबी तेरे लिए दुआ करेगा, उसकी सुनूंगा, तू चाहे कितना बड़ा रास्तबाज हो तेरी नहीं सुनूंगा, ये आज गिरा हुआ है लेकिन मेरा वायदा इसी के साथ है। ब्रदर, ये चीजें दुनिया नहीं समझ सकती, yes. दुनिया के पल्ले ये बातें नहीं पड़ेंगी, पढ़िए मैसेज, आमीन, आमीन। आप अपना सिर ठोकोगे, माथा मारोगे, हाँ तू रास्तबाज है, तुझ रास्तबाज की मैं दुआ नहीं सुनूंगा, जबकि वो गुनहगार है, उसने गुनाह किया, उसने झूठ बोला, सुनूंगा उसी की, वो तेरे दुआ करेगा, हाँ उसको मैं ताड़ना दूंगा, उसको मैं घुड़कूंगा, उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन वायदा तो उसी के साथ है। देखिए ब्रदर सिस्टर, हमारा खुदा बहुत अजीब है, जिसको समझने के लिए नबी का मैसेज पढ़िए, वो नहीं जो इंसान की अकलें कहती हैं, वो कुछ और है, आमीन। और एक नबी ने रिवील किया वो है क्या, वो तो एक गिरा आदमी है, दुआ यही करेगा, मैं इसकी सुनूंगा तेरी नहीं सुनूंगा। अरे ब्रदर, ये कान में सुन के आपके भी बात आ जाना चाहिए, चाहे कितने गिरे हुए हों फिर भी गिरावट में अगर दुआ कर दी, अरे शिमशोन, जितनी भी सामर्थ्य तेरे पास है तू अपने खुदा से बोल दे और घात कर इन फलिश्तियों का। प्यारे भाई बहन, क्योंकि वो वाचा आपके साथ बांध चुके हैं, Amen, amen. वो वाचा से पीछे हटेंगे नहीं ब्रदर, वो आराम नहीं करने वाले until he has achieved his purpose in your life, your life. जब तक कि अपने मकसद को आपके जीवन में पूरा ना कर लिए। ऐसे निरे रास्तबाज घूम रहे हैं दुनिया में सड़कों पे, ऐसे रास्तबाज होगी वो परवाह भी नहीं करे, समझ मारी आपके, Amen. लेकिन तू मेरा गिरा हुआ लेकिन है बेटा, Amen. If you give a right confession, अगर एक सही अंगीकार करें, he said, "Come unto me, मेरे पास आओ, though your sins be like scarlet, चाहे तुम्हारे गुनाह लाल अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, they shall be white as snow, हिमकिनाए श्वेत हो जाएंगे, you don't know the thoughts I have for you, तुम नहीं जानते जो विचार मेरे को तुम्हारे को लेकर हैं, thoughts of peace, शांति के विचार, to give you an expected end, ताकि तुम्हें अपेक्षित अंत मिले, I think you can understand this, मैं सोचता हूँ कि आप समझ सकते हैं ये बात, oh Israel. Hey Israel, thou hast spoiled thyself. तूने अपने आप को गिराया है, बर्बाद किया है. I'm speaking from the Bible. मैं बाइबल से बोल रहा हूँ. But in me is thine help. लेकिन मुझ में तेरी मदद है. Read the Bible. बाइबल पढ़ें. You defile yourself under every tree. हर एक वृक्ष के नीचे तुमने अपने आप को दूषित किया है. I'm speaking about a spiritual fornication. मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक जिना की. Which is serving another god and all those things, jo ki dusre paraye devtaon ka upasna karna hai, other ideas,
सोचने विचारों का, ये भी एक देवता ही है. यस, रिटर्न ओ इज़राइल, हे इज़राइल लौट के आजा, फॉर इन मी इज दाइन हेल्प, क्योंकि मुझ में ही तेरी मदद है. डॉक्टरों में नहीं है, आमेन, हकीमों में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, आमेन, मुझ में तेरी मदद है. आमेन. सिट डाउन विद मी, मेरे साथ बैठ जा. आई एम रेडी, मैं तैयार हूं. आई हैव गॉट अ फुल बास्केट ऑफ प्रॉमिसेस, मेरे पास एक टोकरा भरा हुआ है वायदों के साथ. आई वॉन्ट टू हियर योर कन्फेशन, मैं तेरे अंगीकार को सुनना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू एक्ट अपॉन दैट, मैं उस पर कार्यान्वित होना चाहता हूं. सिस्टर हैटी सेड द राइट कन्फेशन. आमेन, गॉड ब्लेस यू. बेन हैटी ने एक राइट, एक उचित अंगीकार दिया. वी स्टार्टेड अ बिग मशीन, जिसने एक बड़ी मशीन को चालू कर दिया. एंड द टू बॉयज वर सेव्ड, और दो लड़के बच गए. कैन यू डू दैट ब्रदर, क्या आप ये कर सकते हैं भाई? प्रे, प्रार्थना करें. फाइंड योर स्क्रिप्चर, अपनी आयत को ढूंढें. प्रे टू गॉड, खुदा से प्रार्थना करें. कन्फेस योर फॉल्ट्स टू गॉड, अपने गलतियों को खुदा के सामने उसका अंगीकार करें. एंड विद वन अनदर, और एक दूसरों के साथ भी. वेयर यू हैव कम इन फॉल्ट विद ईच अदर, जहां आपने एक दूसरे के साथ गलतियां करी. एक दूसरे के साथ, मैं मतलब दो के भाई के बीच में, दो बहन के बीच में अगर कुछ हुआ, आप एक दूसरे से कन्फेस करके खत्म करिए. यू गेटिंग इट? या बात समझ में आ रही है? फिनिश इट ऑफ, इसको समाप्त कर दे. डोंट कीप इट, इसको रखे नहीं. बिकॉज इफ यू डू, अगर आप ऐसा करेंगे, इट विल ब्रिंग अ बॉम्ब ब्लास्ट, तो एक बड़ा धमाका होगा. यू विल बी द सफरर, आप पीड़ित होंगे. बट वेन वी कन्फेस अ फॉल्ट, लेकिन जब अपनी गलतियों को मान लेते हैं. Before God, खुदा के सामने, with each other, और एक दूसरे के सामने, then now we come to God. फिर अब हम इस अवस्था में खुदा के सामने आते हैं. Lord have mercy on me. प्रभु मुझ पे दया करे. And now I give a further confession. और अब मैं आगे का अंगीकार आपके सामने रख रहा हूँ. You are my savior. आप मेरे उद्धार करता हैं. You are my redeemer. आप मेरे छुड़ाने वाले हैं. You find the machine goes to work. आप पाएंगे मशीन काम पे लग जाएगी. And everything happens. और हर एक चीज हो जाएगी. God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह. क्या शाम आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी. कैसे हमने रूथ की किताब में देखा, एक सिंपल कन्फेशन ने, जो उसका एक निकट कुटुंबी पे था, इस स्थान पे लेके आ गए कि उसका छुटकारा हुआ और वो एक खुदावन उस स्थान में पहुंची जब उसने एक मरे के वंश को जिंदा किया, वरन आपकी वंशावली में चुड़ गई और ओबेद यानी वर्शिप को लाई. जेसी और दाऊद आया, एक महान काम जिसके लिए आपने उसे रखा था. जो तस्वीर बनी आज एक दुल्हन की हमारी, जो खुदा की कलीसिया है, कि एक सही डिसीजन और फिर एक सही कन्फेशन हमारे लिए उद्धार पैदा करता है, छुटकारा पैदा करता है, और खुदावन के कार्य को हमारे जीवनों में पूरा करते हैं. आपका नाम मुबारक हो. मेरी विनती और प्रार्थना हम में से हर एक के साथ हो, और तौफीक दें कि हम में से हर एक उस स्थान पे पहुंचे जबकि हमारे जीवनों से उस शैतान की हार हो, वरन आपकी ही की जीत हो. खुदावन, सारे आदर महिमा के योग आप हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो. हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उस माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं. मैं आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं. बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन. सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. गॉड रियली ब्लेस यू. आमेन. गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. My precious brother, God bless you. God bless you. Man, what a message, brother. What a message. God bless you.